विश्वं दर्पण दृश्यमानं तुल्यं निजान्तरगतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमिदं श्री दक्षिणामूर्तये शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितवलधामम् हेमशैलावदेहम् तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तम् बात जातं नमामि ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये स्मे तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तं अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आओ हम सब मिलकर के अपने जीवन को मधुराति मधुर श्री राघव के श्री चरणारविंदों में समर्पित करने के लिए हम सब मिलकर के श्री किशोरी जी के श्री चरणारविंदों में चले। ऐसा लगे कि वो हमारे नेत्रों के सामने ही समुपस्थित हैं। हम उन्हें निहार करके अपने हृदय के भाव पुष्प उनके श्री चरणारविंदों में समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से ही भावित होकर के हम सब प्रथम मिलकर के श्री किशोरी जी की मधुमय स्तुति का गान करेंगे। उसके बाद श्री राघव की मंदाकिनी में कथा मंदाकिनी में अपने चित्त को अवगाहित करेंगे। पहले हम सब मिलकर के श्री किशोरी जी के चरणों में चलकर भावमयी उनकी उपस्थिति में भाव अभिव्यक्त करें, स्तुति का गान करें। कृपारूपिराधिके श्यामा प्राणाधार कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार भानु दुलारी राधिके सुन लो मेरी पुकार दीन पात की श्रवण को धन ही
दिन मेरा राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की शिराधे कीजे कृपा की हो करत अघन नहीं नेक अघाऊं भजन करन मेना मन को लगा करवर जोरी लखनीज ओरी तुम वीन बोरी कौन सवारे दूर श्रीराधे कृपा की हो भलो बुरो जे सोतिहारो तुम बीन को दुलारी सुधिलो हमारी शरण तिहारी हो पति तन श्री र
राधे कीजे कृपा की को बड़ी दयनीय दशा है, अहर्निश ये मन विषयों की ओर भागता है, बार बार मना करने के बाद भी रुकता नहीं है। ऐसी विषम परिस्थिति में आपके अतिरिक्त कोई संबल नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, बस आपके श्री चरणारविंदों में बारंबार यही प्रार्थना है। आपने सदमों के सरदार पर जैसी अनुग्रह भरी दृष्टि डाली है, बस आपकी मधुमयी ममतामयी दृष्टि सदा यूं ही बनी रहे, यही बारंबार प्रार्थना है। जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम के
युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात, परमादरणीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे आराध्य की पावन पवित्र कथा गंगा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके लोगों के रूप में अपने जीवन धन की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के प्रयागराज की उस पावन पवित्र भूमि में चले जहां महात्मा याज्ञवल्क बैठ करके श्री भरद्वाज जी महाराज को निमित्त बना करके भगवान के दिव्य चरित्र श्रवण करा रहे हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज ने अपने लाडले लाल श्री राघव को राज्य प्रदान करने का संकल्प किया, किंतु संकल्प पूरा नहीं हो पाया। संकल्प में व्यवधान उनका काम ही कर गया। मंथरा ने कहके ही की ऐसी मति को घुमा दिया कि जो कहके ही राम से इतना प्रेम करती थी उसके हृदय में पता नहीं कहां से विष बो दिया, और कैकेयी ने तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। चौदह वर्ष के लिए श्री राघव के लिए वनवास की बात मांग ली, किंतु धन्य है राघव, नारायण में निवेदन करूं ये हम सबको सीखने लायक है। परिवार में मुझे लगता है परिवार में यदि आप प्रेम चाहते हैं तो हमारे श्री राघव के परिवार पर थोड़ी दृष्टि डालिएगा। राघव के परिवार में आज मैंने संपूर्ण चरित्र का चिंतन किया सुबह सुबह, तो मिला कि वहां का एक भी प्राणी ऐसा नहीं जो अपने लिए जीता हो। आप प्रत्येक पात्र को अवध का देखेंगे जो दूसरों के लिए जीता है। और हमारे श्री मैथिली शरण गुप्त जी महाराज ने एक बात बड़ी अनोखी कह दी, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। आप संपूर्ण चरित्र का चित्रण कभी देखिएगा तो आपको मिलेगा। कैकेयी ने भी राज्य अपने लिए नहीं मांगा, अपने पुत्र के लिए मांगा, भले उसका ढंग गलत था। मंथरा ने भी कोई अपने लिए मंत्रणा नहीं की, वह कैकेयी के लिए मंत्रणा करती है। और हमारे श्री राघव भी वनवासी बनने के लिए बिल्कुल सहज में तैयार हो जाते हैं श्री भरत के लिए। और श्री राघव जब मां के पास गए, कल मैंने निवेदन किया था वाक्य रचना पर बहुत ध्यान देना चाहिए। शब्द ब्रह्म है और शब्दों में बहुत सामर्थ्य है, इसलिए शब्द कभी भी जो मन में आए सो नहीं बोलना चाहिए, विचार पूर्वक बोलना चाहिए। कब कहां कैसे क्या बोलना है, हमारे यहां मनुस्मृति में एक बड़ी रसीली बात कही कि सत्य तो बोलना चाहिए,
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। बोले भाई बोलना सत्य है किंतु ऐसा सत्य नहीं बोलना है जो प्रिय न हो। सत्य बोलो किंतु प्रिय सत्य बोलो। तो यदि प्रिय सत्य न हो तो क्या करें, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, आप मौन हो जाओ। जरूरी नहीं है कि हमको बोलना ही है। कई बार हम बोल करके जो नहीं कह पाते हैं हम मौन होकर के कह देते हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जो वाणी की भाषा नहीं समझ पाए शायद वो मौन की भाषा समझ जाता है। हमारा मौन रहना भी बहुत कुछ कह जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम बोलें ही। अगर ऐसा लगता है कि सत्य नहीं बोला जा सकता है, बहुत कड़वा है, तो मौन रहना भी एक दिव्यास्त्र है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो। अब हमारे श्री राघव ने मां के सन्मुख जो अपनी बात रखी है बड़ी अद्भुत है। मां को यह नहीं कहते हैं कि हमारे पिता ने हमको वनवास दे दिया है, अपितु नारायण कहते हैं कि पिता ने हमको राज्य दिया है और मैं बड़ा भाई हूं ना, तो बड़े भाई को बड़ा राज्य मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने बड़ा राज्य हमको दिया है। पिता दीन मुन कानन राजू, हमारे पिता ने हमको जंगल का राज्य दिया है और हमें वहां जाना परम आवश्यक है। मां ने जब नारायण इस रहस्य को समझा तो राघव पर बलिहार हो गई। पूछा, सच सच बताओ क्या बात हुई है। हमारे संतों ने तो ये वर्णन किया कि राघव तो मौन हो गए, किंतु राघव के जो मित्र थे मंत्री कुमार, उन लोगों ने सारी घटना सुना दी, सारी चर्चा सुना दी। और जब पता चल गया कि इसमें सम्मत मां का भी है तो उन्होंने कहा अवश्य जाओ। और नारायण, इधर आज मैं चिंतन कर रहा था, मुझे बहुत अच्छे भाव लगे, मैंने कई बार जिया उन भावों को। मैं चाहता हूं कि उन भावों को आप लोग भी जिए। जब राम श्री कौशल्या मैया के श्री चरणारविंदों में आए थे तब तक श्री वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी यहां के यहां पहुंचे, जहां कैकेयी थी। आचार्य प्रवर ने सच में नारायण, एक निवेदन कर दूं, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है और प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है। आज जब हम लोग प्रमादी बन जाते हैं, को नृप होए हमें का हानि, कोई राजा बने हमें क्या लेना देना है, हम तो जो करते हैं वही करेंगे। अमुक व्यक्ति के राजा बन जाने से हमें क्या मिल जाएगा और अमुक राजा नहीं बनेगा तो हमें हरा क्या चला जाएगा। बंधुओं ध्यान देना, राजा का प्रभाव बहुत प्रजा में होता है, इसलिए एक एक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है। और जो हमारे हाथ में है कर्तव्य, उसका प्रयोग करना चाहिए। आज हम पढ़े लिखे समाज से भी एक प्रार्थना कर देना चाहते हैं, व्यापारी समाज से भी एक प्रार्थना कर देना चाहते हैं। जब कभी चयन करने का समय आता है, राजा का चयन करना है, मंत्री का चयन करना है, तो ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं जाना चाहता है, ये व्यापारी व्यक्ति भी नहीं जाना चाहता है, कहता है कि मैं समय खराब क्यों करूं, मेरे जाने से क्या होगा। और बंधुओं जानते हो उसका परिणाम क्या होता है नारायण, उसका परिणाम होता है कि जो अनपढ़ लोग हैं, योग्यताहीन लोग हैं, अभावग्रस्त लोग हैं, उनके द्वारा चयन होता है।
जब उनके द्वारा चयन होगा तो कौन व्यक्ति आएगा? शराबी कबाबी ही तो आएगा, लुटेरा और व्यभिचारी ही तो आएगा। फिर आपको झेलने के अलावा कोई साधन नहीं बचेगा। चयन करना चाहिए। आज मैं एक लेख पढ़कर के बहुत गदगद हुआ। वशिष्ठ जी महाराज ने जो आचार्य पद की गरिमा निभाई है बेजोड़ है। रामचरितमानस में तो उसका वर्णन नहीं है, अन्य जगह वर्णन है। कैकेयी को जाकर फटकार लगाई और कैकेयी को कहा कि क्या तू समझती है ये राजा का राज्य उसका अपना राज्य है, ये प्रजा से राज्य बनता है और जिसको भी दिया जाएगा उसमें प्रजा की सहमति बहुत जरूरी है। तुझे पता नहीं है कि आज समाज की क्या दशा है, सारे सेना नायकों ने बगावत कर दी है, प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति तुझे गाली दे रहा है और तू समझती है कि हमने विजय प्राप्त कर ली है। अवध की सेना को सब लोग जानते हैं, ये अवध की सेना कैके देश तक जाकर के तेरे पिता को तेरे भाई को भी बंदी बनाकर हम ला सकते हैं। तूने निजी स्वार्थ के लिए काम किया है, तू जानती है कि क्या भरत तेरे कहने पर आ जाएगा? भरत को मैं पहचानता हूं, भरत मेरा शिष्य है, कभी तुम्हारे उसमें नहीं आने वाला है। फटकार लगाई और महाराज वह नीचे मुख करके अपनी व्यवस्था पर रोने लगी। धन्य है हमारे श्री राघव, जब हमारे श्री राघव लौट कर आए तो गुरुदेव को प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, हम तो माता पिता की आज्ञा मान करके ही काम करने वाले हैं, अगर मां ने आज्ञा दी है तो पिता ने आज्ञा दी है तो मैं वनवास तो जरूर जाऊंगा, आपसे मेरी प्रार्थना है इस पूरे पूरे अवध को संभालने वाला आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। सेना नायकों की ओर निहार करके कहा जो बगावत के रूप में खड़े थे, कहा तुम लोगों से तो मैं बाहर बात करूंगा, अभी हमें अपनी व्यवस्था से निपट लेने दीजिए। और जो नारायण श्री राघव को वलकल वस्त्र मिले हैं श्री राघव ने भी पहन लिया और सियाजू के तन पर जब बलकल वस्त्र धारण किए गए तो सारी जो राजनिवास की प्रजा थी सब रो पड़ी। कैकेयी को बहुत दोष दिया, गुरुदेव ने तो डांट लगाई कि तूने तो राम को वनवासी बनाया था, तूने सिया के लिए कपड़े कैसे तैयार किए? और सियाजू की ओर निहार करके कहा बेटी तुम्हें यहां रहना चाहिए, तुम्हें यहां न जचे तो कुछ दिन जाकर अपने पीहर में रह लेना, तुम्हारी यहां बहुत आवश्यकता है और मेरा मानस तो यह है कि यदि राम बन चले जाते हैं तो राम के स्थान पर तुम ही राज्य को संभालो और तुम्हारे में सामर्थ्य है, तुम संभाल सकती हो। सियाजू के नेत्र भर आए और कहा गुरुदेव हमारे सर्वस्व ये हैं, जहां ये जाएंगे वहां जहां पुरुष जाता है वहीं पुरुष की छाया जाती है, हमारा अलग अस्तित्व है ही नहीं। जब गुरुदेव नारायण कैकेयी को डांट रहे थे और सेना नायकों की बात सुना रहे थे कि सब बगावत के रूप में है, सब राम जी के रूप साथ में है और यहां तक बगावत के रूप में है कि दशरथ यदि विरोध करें तो दशरथ को बांध करके कैद में डाल दिया जाए, आपको बताएं ये मत हमारे श्री राघव को तो नहीं भाया? किंतु श्री लखन मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। किंतु धन्य है हमारे श्री राघव, इनके शील को वंदन है, माताओं को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, हमारी सियाजू ने भी घुटने टेक कर सबको वंदन किया। किंतु लखन एक ऐसे हैं, इनकी निष्ठा महाराज एक तरफ है,
ये दूर से ही गर्दन झुका करके वंदन करते हैं, और जब श्री राघव वहां से निकले तो सारे सेना नायक सारी प्रजा खड़ी थी। हमारे श्री राघवेंद्र सरकार खड़े होकर के उच्च स्थान पर संपूर्ण प्रजा से पूछते हैं, ऐ प्रजा के निवासियों, तुम्हारा भरण पोषण अभी तक रघुवंश के माध्यम से होता चला आया है, तुम लोग ये चाहते हो कि नहीं कि राम दोबारा वापस लौट करके अवध आए? महाराज एक स्वर से सब लोगों ने कहा कि महाराज यहां का बच्चा बच्चा चाहता है कि आप जाओ ही नहीं, आप तो लौट कर आने की बात कर रहे हैं। राघव ने कहा मुझे जाना तो पड़ेगा, किंतु यदि आप लोग चाहते हो कि मैं लौट करके आऊं तो जो हमारे पिता का मानस है उस मानस की ओर तुम लोग ध्यान दो, और भरत के सहयोगी बनकर के जियो, विरोधी बनकर के मत जियो। सारे सेना नायकों की गर्दन नीची हो गई, उनको लगा कि यदि हम राम की आज्ञा नहीं मानेंगे तो दोबारा लौट करके ये आने वाले नहीं है। और महाराज ये बात जब सच में आचार्य चरणों ने, तो बहुत लोगों ने दक्षिण के रामायणों में, हमने तो एक महापुरुष उनका नाम कभी हमको भूलता नहीं है, अवध के संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, संत गोपालाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर हमने कई कथाएं उनसे सुनी है, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, ऐसी ऐसी भाव व्यंगमा और दक्षिण की रामायणों से सुनाते थे। यदि हम वो सुनाने लगे तो निश्चित रूप से हम अयोध्या कांड में ही रुक जाएंगे, और इन भावों को आचार्य चरणों ने जिया है। श्री राघव हमारे निकल करके जो चले, सिया जी सातवें, श्री लखनलाल जी, और प्रजा को संदेश देकर के नारायण जो चल पड़े, तो सबसे पहले दौड़ करके सुमित्रा मां उर्मिला के भवन में गई, और उर्मिला के भवन में जाकर के हृदय से लगा करके कहा कि उर्मिल मैं एक बात कहूं, तुम बुरा मत मानना, मैं लखन को बचपन से जानती हूं, मैं उसकी मां हूं ना, इसलिए उसके स्वभाव से मैं परिचित हूं। दुनिया एक तरफ हो और राम एक तरफ हो, अगर हमारे लखन से कहा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए तो लखन विचार नहीं करेगा, कहेगा मुझे राम चाहिए। शायद तुम्हें खबर होगी, लखन मेरे पास भी आया था, किंतु अपने आप नहीं आया था, राघव ने भेजा था तब आया था। वो तो राघव का सील स्वभाव है, उन्होंने लखन को मेरे पास भेज दिया था, मैं जानती हूं कि वो तुम्हारे से मिलने भी नहीं आया होगा, तुमसे उसने कुछ पूछा भी नहीं होगा। उर्मिला के नेत्रों में अश्रु भरे थे, मां मैं सौभाग्यशाली स्त्री हूं, मैं तो अपने माता पिता को वंदन करके धन्यवाद देना चाहती हूं, उन्होंने हमारा नाम जो रखा, आज नाम सार्थक हो गया। मेरा नाम सार्थक इसलिए हो गया कि उनके उर से हम ऐसी मिली हैं कि उनको हमसे आज्ञा लेने की जरूरत नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उनके उर में हर उठने वाले विचारों की मैं साक्षी हूं, मुझे गौरव है। और मां भूल गई, जब इस देहली पर मैंने चरण रखे थे तो तुमने एक शिक्षा दी थी कि भारत की नारी की प्रसन्नता पति की प्रसन्नता होती है। दुनिया के लोग बहुत कुछ दे सकते हैं,
किंतु जो पति देगा वो कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि वह ऐसा पद देता है अमर पद, जिस पद को प्राप्त करके व्यक्ति के जीवन में कभी च्युत नहीं होना पड़ता है। सच कहें मां रो पड़ी, इतनी विशाल उर्मिल है और कहां मुझे गौरव है कि हमारा पति अनुरागी है श्री राघव का, मुझे इतना गौरव है, इतना गौरव है कि मां मैं क्या कहूं। तो फिर बाबरी तेरे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? मां ये खुशी के आंसू है। और सच कहें मुझे मांडवी दीदी का बहुत डर लग रहा है, सुतकीर्ति का भय भी सता रहा है। सुतकीर्ति तो अभी बहुत बच्ची है, बहुत छोटी है, पता नहीं ये परिस्थिति वह सह पाएगी कि नहीं सह पाएगी। और मांडवी दीदी का पीड़ा मैं जानती हूं, मां भी मैं गई थी उनके पास, पता है बहुत रो रही थी, बिलख बिलख करके रो रही थी कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं। और पता है इस बात से वो बहुत डरी है कि मुझे तो पता है कि मेरा पति 14 वर्ष के बाद मेरे पास आ जाएगा, किंतु मांडवी दीदी बहुत डरी हुई है, बहुत भयभीत है। मां उनको तुम्हारी जरूरत है, उनको संभाल लो आप, क्यों डरी हुई है बेटी? वो बोले डरी हुई इसलिए है कि उनको अपने पति का पता है कि वो कभी गद्दी में बैठने वाला नहीं है। वो जानते हैं कि मैं कभी गद्दी में बैठूंगा नहीं, ये राज राघव का है, राघव को चाहिए। और कहीं किसी ने गलत खबर दे दी कि सासू मां को भड़काने में मेरा भी हाथ था, सासू मां की हां में हां मैंने भी मिलाई है कि हां हमारा पति राजा बने। अगर ये उनको कहीं खबर हो गई, किसी ने झूठी खबर दे दी, तो जानती हैं कि उनका पति कभी मुख मोड़ करके जीवन में हमारी तरफ देखेगा ही नहीं। और सच में बात भी सच्ची है नारायण, आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, हमारे भैया भरत ने कैकेयी को जीवन में दोबारा कभी मां नहीं कहा है, राघव के कहने पर भी मां नहीं कहा। कहा उनको कहीं से भी कुछ ऐसी खबर मिली तो सुनने वाले नहीं हैं और फिर ऐसे वन में चले जाएंगे कि कभी लौट करके आएंगे नहीं। और पता है मां, आज किसी दासी ने दीदी का हृदय दुखा दिया, आकर के कहा कि तूने सुना है भाभी, तूने सुना है, तेरे को मैं बधाई देने आई हूं, अब तो तू अवध की रानी बनने वाली है। ये सुनते ही जो उनको पीड़ा हुई, उनको सूल हुई हुआ है, वह विलख रही है। मैं यही विचार कर रहा था, ये अवध की महिमा है, ये अवध की महाराज विशेषता है कि एक दूसरे के दुख को देख रहे हैं, अपने दुख को कोई नहीं देख रहा है। उर्मिला को अपना दुख सता नहीं रहा है, उसको मांडवी का दुख सता रहा है, सुतकीर्ति का दुख सता रहा है। सुमित्रा मैया ने हृदय से लगा करके कहा कि मेरा बहुत दायित्व है, हमको राघव ऐसा दायित्व दे गए हैं जो निभाना बहुत कठिन है, किंतु निभाना पड़ेगा। मेरे को राघव दायित्व दे गए हैं कैकेयी मां को संभालने के लिए, कैकेयी दीदी को, कि उनको तुम संभालना, उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, सारी दासियां छोड़कर चली गई हैं, तो मुझे उनको संभालना पड़ेगा। और तुमको जाकर के मांडवी को तुम संभालो। महाराज ये परिवार की जो विलक्षणता है, सच कहूं राम राज जाने का अभिप्राय क्या है?
राम राज जाने का अभिप्राय यह मत समझ लीजिएगा कि वैभव बहुत बढ़ जाए और रास्ते बहुत अच्छे बन जाए, बिजली कभी न जाए, ये सब राम राज्य के पैमाने नहीं है। राम राज्य का पैमाना है कि जिठानी की पीड़ा देवरानी समझे, देवरानी की पीड़ा जिठानी समझे, सास की पीड़ा बहू समझे, बहू की पीड़ा सास समझे, सेवक की पीड़ा स्वामी समझे और स्वामी की पीड़ा सेवक समझे, इसका नाम राम राज्य है। राम राज्य का स्वरूप और कुछ नहीं है, एक दूसरों के सुख दुख में शामिल होने का सामर्थ्य हमारे चित्त में आ जाए। अगर ये आ गया तो निश्चित रूप से समझो कि हमारा काम बन गया। हमारे श्री राघव ऐसे वातावरण में सबको महाराज विदा करके सब ही विचारों की न मनमाही, राम लखन सिंह बिनु सुख नाही। जब ये तीनों जाने लगे तो प्रजा ने विचार किया कि यदि सुखी रहना है तो इनके साथ रहो, और हमारे श्री सुमित्रा मैया का तो मानना यही है कि अवध जहां जहां राम निवासु, अवध तो वही है जहां राम का निवास है, दिवस वही है जहां भानु का प्रकाश है। जब समाज ने विचार किया कि यदि हमको सुखी रहना है, यदि हमको आनंद में रहना है, तो निश्चित रूप से राम लखन के साथ, सियाजू के साथ ही रह करके हम सुखी रह सकते हैं। अगर वो बन जाएंगे तो हम भी बन जाएंगे, अगर वो बन में रहेंगे तो हम भी बन में रहेंगे। जहां राम तहां सब ही समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। अगर यहां रघुवीर नहीं है तो अवध में काज हमारा क्या है, अवध में हमारा काम क्या है। और यह विचार करके नारायण चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन भी आई। हमारे याज्ञवल्क महात्मा कहते हैं अवध में जो सुख सुविधाएं थी वो स्वर्ग में भी नहीं थी। सुर दुर्लभ शब्द का प्रयोग किया है, देवताओं को भी दुर्लभ थी ऐसी संपदा, ऐसा वैभव जो उनके पास भवन था, लोगों ने भवन का परित्याग कर दिया। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग वस करहें कि ति नहीं। आह बहुत सुंदर बात है, जिनको भगवान के श्री चरणारविंदों से प्रेम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उसे कभी विषय बांध नहीं सकेंगे। जो मोहि राम लागते नीके, जो मोहि राम लागते नीके, नौरस सडरस अनरस सब हुए जाते फीके। बंधुओं ध्यान रखना, यदि विषय में हमारा चित्त लगता है तो अभी हमारा भगवान से प्रेम बिल्कुल नहीं हुआ है। संसार यदि हमको सुखद लगता है तो यह मत समझिएगा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, संसार हमको रस दे रहा है। ये विषयों से यदि रस मिलने लगे तो यह मत समझिएगा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, ये समझिएगा कि हमको रोग हो गया है, और ये रोग है बहुरोग। मैं कई बार लोगों को सुनाता हूं, एक सच्ची घटना है। गढ़वाल में उत्तराखंड में शरीर था, एक गांव में रुका हुआ था क्योंकि गंगोत्री जा रहे थे पैदल कई संतों के साथ। तो एक व्यक्ति बार बार महाराज गिर रहा था मूर्छित होकर के, बैठालते थे लोग फिर गिर जाता था, बैठालते थे फिर गिर जाता था। तो लोग उसको मुख में उसके नीम का पत्ता डालते थे और नीम का पत्ता डाल करके पूछते थे कि कैसा लग रहा है। हमको लगा ये तो बेचारा मूर्छित हो रहा है, क्या बताएगा। बार बार उसके मुख में नीम का पत्ता ठूसते थे, कैसा लग रहा है। तो बाद में उसने कहा कि मीठा लग रहा है। जो कहा मीठा लग रहा है और मूर्छित हो गया तो चिल्ला पड़े सब लोगों ने, सर्प ने काटा है, सर्प ने काटा है।
बाद में मैंने पूछा कि ये कैसे पता चला, बोले यदि सर्प काट लेता, जंगल में कोई दूसरे जंतु काट ले, सर्प काटे कैसे पता चले, तो कहा पता ऐसे चलेगा कि यदि इसको नीम के पत्ते मीठे लगने लगे तो निश्चित सर्प ने काटा है। याद रखना, यदि ये विषय हमको मीठे लगने लगे तो हमको भवरोग हो गया है, ये रोग की पहचान है। खुश मत हो जाना कि हमको विषय बहुत अच्छे लगते हैं, विषय को छोड़कर हमारा मन कहीं नहीं जाता है, हम तो ये नाती पोते में बहुत प्रसन्न हैं। जब हमारे गोद में नाती आता है तो दुनिया हमको भूल जाती है, कोई सुख दुख पता नहीं दुनिया का हमको चलता है। तो ये मत समझ लेना कि तुम स्वस्थ हो, उसी दिन समझ लेना तुम रोगी हो गए हो, ये रोग की पहचान है। और जिस दिन आपका ये रोग मिटेगा तो इसकी सच्चाई पता चल जाएगी, संसार सुखद है ही नहीं नारायण, सुखद तो केवल भगवान है। हमारे बाबा ने बहुत बढ़िया बात कह दी, बाबा कहते हैं राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं। हमारे श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद जिनको प्रिय हैं, विषय भोग वश करें कि नहीं, क्या उनको कभी विषय बस में कर सकते हैं, अर्थात विषय उनको बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। भले उनके पास संपदा स्वर्ग के समान थी, स्वर्ग से भी बढ़िया थी, किंतु सब छोड़ दिया। बालक वृद्ध बिहाय ग्रह चले लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ। छोटे छोटे बालकों को घर में छोड़ दिया, वृद्ध थे उनकी भी परवाह नहीं की कि कौन भोजन देगा इनको, कौन संभालेगा इनको, सबको छोड़ करके महाराज श्री ठाकुर जी के साथ लग गए। और प्रथम दिन, पहले दिन का जो विश्राम हुआ वरण तमसा के तीर पर हुआ। हमारे श्री राघव ने ये विशेषता है नारायण अवध की, यही मैंने विदन करा था, एक दूसरे के दुख में दुखी हैं, एक दूसरे के सुख में सुखी हैं। हमारे श्री राघव ने देखा रघुपति प्रजा प्रेम रस प्रेम वश देखी, सदैव हृदय दुख भयउ विषेकी। सहृदय होने के कारण श्री राघव को बहुत दुख हुआ, और ये प्रजा हमारे साथ चलेगी तो दुख पाएगी। करुणा में रघुनाथ गुसाई, महाराज श्री राघव हमारे करुणा में है। उन्होंने सोचा क्या किया जाए, वो तो दूसरे के दुख में दुखी होने वाले हैं। कई सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। भगवान ने बहुत प्रकार से उपदेश दिया, उनको समझाया कि देखो भाई आप लोग हमारे साथ मत चलो, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। धर्म का उपदेश देकर के कहते थे उचित नहीं है, किंतु नारायण कहने के बाद भी लोग फिर नहीं रहे थे। लोग महाराज श्रमवश हो गए, थके थे, बहुत रोए थे, और दूसरा भगवान की माया ने भी महाराज अपना प्रभाव जमा दिया। थकान तो थी ही, और भगवान की माया ने अपना महाराज प्रभाव जमाया, इन सबको नींद आ गई। और जब सब नींद के वशीभूत हो गए तो हमारे राघव ने सचिव को कहा, सुमंत को उठो, रथ तैयार करो, रात्रि में ही। राघव जानकी लखन विराजमान हो गए। सुमंत जी महाराज लेकर कहा कि ऐसे लेकर के चलो कि इसके पहियों का निशान ना आए कहीं समझ में, कहीं भी थोड़ा नीचे रहेंगे, आ जाएंगे ऊपर, देखो हमारी तरफ करो तो अच्छा है, हम देखते रहेंगे, ये लोग तो दूर है वहां से। वाह बस गिरेंगे तो नहीं, नहीं, नहीं।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुमंत जी महाराज को बताया कि खोज मारी रथ हाकऊ ताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता। ऐसा रास्ता खोज करके निकालो कि ये खोज न पाए। रथ के पहिए का निशान भी न मिले। और महाराज श्री सचिव ने रथ चला दिया और जब प्रातःकाल लोग जगे और श्री रघुनाथ को नहीं देखा तो बड़े दुखित हो गए। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहूं राम राम कही चहु दिस धावहीं। रथ कहीं नहीं मिला, श्री राघव नहीं मिले तो सब राघव का नाम ले लेकर के राम राम करके चारों दिशाओं में दौड़ रहे थे। मनहु बारिनिधि बूढ़ जहाजू, भयउ विकल बड़ बनिक समाजू। जैसे बनिया वैश्य जन धन लेकर के आ रहे हों और जहाज में धन हो और डूब गया या डूबने लगे तो जैसे विकल हो जाते हैं, वैसे इन लोगों की दशा हो गई। अब महाराज यहां का स्वभाव वैसे तो भारत का बड़ा विलक्षण स्वभाव है। महाराज आपको बताएं, भारत में दो चीजें वकील साहब फ्री मिलती हैं, बिल्कुल फ्री। आपको कभी जुखाम, आपको तो नहीं पता चलेगा, हम तो उसके भुक्त भोगी हैं। अगर अपने राम को व्यासपीठ में छींक आ जाए तो जितने मिलने आएंगे सब दवा बताएंगे। कोई कहेगा गर्म पानी पी लो, कोई कहेगा हल्दी खा लो, कोई कहेगा चाय में ये डाल लो, कोई गोली ले आएगा, कोई दवा ले आएगा, सब डॉक्टर है। और थोड़े कहीं दुखी तो हो जाओ तो जो मिलेगा सब उपदेश देंगे, जो मिलेंगे। ये दुनिया तो नश्वरी है, आपको क्या कहें, इस दुनिया में कौन रहा है, सब जाने वाले हैं। ये केवल उपदेश दूसरों के लिए है। आप देख लीजिएगा आपके सब रिश्तेदार मिलेंगे, आप थोड़ा बैठो तो सब उपदेश देंगे। विलक्षणता है यहां की, ये बाहर की नहीं है। वहां तो बाहर आपको कोई कष्ट होगा तो कहेंगे डॉक्टर को दिखाओ, भी जानकार भी ये नहीं कि ये गोली खा लो। हमारा तो अनुभव है कि किसी रोग को बता दो ये है तो उसकी दवा बताने वाले आपको सब मिल जाएंगे। मिलते हैं कि नहीं? सब मिलेंगे जी। हम तो कई बार देखते हैं रिक्शा चालक ड्राइवर भी बताता है, महाराज जी आपको छींक बहुत आ रही, मैं दवा बताता हूं। हम कहते हैं वाह जी वाह, सब डॉक्टर है यहां। अब यहां देखिए यहां की दशा क्या है। एक ही एक देही उपदेशु, एक दूसरे को सब उपदेश दे रहे हैं। तजे राम हम जान कलेशु, राम जी ने जान देखा कि हम लोग बहुत दुख पाएंगे इसलिए चले गए हमको छोड़ करके। निंदही आप सराहें मीना, ये प्रेम की विशेषता है। लोग मीन की प्रशंसा करते हैं, मछली की प्रशंसा करते हैं, कहते सच कहें प्रेम सीखना हो तो मछली से सीखो। क्या मछली की विशेषता है? मछली जब तक जल में रहती है तभी तक जीवित रहती, जल से बाहर हुई मर गई। और यदि यही प्रेम है, यदि हम अपने प्रीतम के साथ रहें तो स्वस्थ रहें और प्रीतम के जाने के बाद फिर जीवन न रहे। लोग अपने को धिक्कारते हैं कि हम कैसे प्रेमी हैं, कि हमारा आराध्य हमको छोड़ करके चला गया और हम जी रहे हैं, एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। अभी हमारे शरीर से प्राण नहीं निकले, ये कैसा खेल है। बाद में विचार करने लगे कहां जाए तो कहा कि अब उनकी प्रतीक्षा करेंगे हम। राम दर्श हित नेम व्रत लगे करण नर नारी, राघव के दर्शन हो इस निमित्त व्रत कर रहे नियम कर रहे हैं। मनोह कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी, इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं। और हमारे श्री राघव सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। सायंकाल होते होते
श्रृंगवेरपुर महाराज पहुंच गए, इलाहाबाद के पास है ये। और वहां जब पहुंचे, रथ से उतर करके गंगा मैया को साष्टांग प्रणाम किया, कीन दंडवत हर्ष अभिषेकी। लखनलाल ने, सियाजू ने भी, मंत्री ने भी, सबने प्रणाम किया। श्री राघव हमारे गंगा के किनारे बैठ करके तरंगों को निहारते हुए, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। ये गंगा सब सुख देने वाली है, सब दुखों का हरण करने वाली है। कई प्रकार की कथा श्री राघव ने गंगा की सुनाई, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा महाराज, कई प्रकार की कथा इन्होंने सुनाई। राम बिलो की गंग प्रतरंगा, बाद में महाराज वहां विबुद नदी महिमा अधिकाई, कहा कि नदियों में गंगा की बड़ी महिमा है। स्नान किया और मज्जन कीन पंत श्रम गय। आप लोग कभी इस बात को स्वयं अनुभव कर सकना, चाहे कितनी लंबी यात्रा करके गंगा किनारे जाओ और जो डुबकी लगाओ, तो डुबकी लगाने के बाद सब श्रम चला जाता है कि नहीं, थकान सब गायब, सब थकान चली जाती है। और महाराज इनकी थकान चली गई, सुचि जल पियत मुदित मन भयो, गंगा का निर्मल जल पी करके सब प्रसन्न हो रहे हैं। सुमिरत जाहि मिटहि श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। बाबा ने सोचा कि मैंने तो ये कह दिया कि भगवान ने वहां स्नान किया तो उनका श्रम चला गया, किंतु श्री राघव तो ऐसे हैं कि जिनका स्मरण करने से लोगों का श्रम चला जाता है, तो इनका श्रम कैसे जाएगा। तो कहा ये तो मनुष्य रूप में है ना, तो लौकिक व्यवहार कर रहे हैं, उनको क्या श्रम है, उस श्रम उनके होने वाला ही नहीं है। इसलिए लौकिक व्यवहार के कारण महाराज ये किया है। यह सुदिग्रह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। महाराज जब उनको पता चला, अच्छा भाई थारी राय सुम्हारी राय, हमने सोचा कि हमसे ये नीचे रहेंगे इसलिए हमने अपने पास बैठा लिया था, बात मूल ये हमको नहीं निहारना चाहते, आप लोगों को देखना चाहते हैं, वो तो राम जी होते तो हमको देख लेते, अब ये तो हैं तो कन्हैया तो गोपियों के ही प्रेमी रहेंगे, ये तो राम जी होते तो निश्चित रूप से हमारे साथ ही रहते, नीचे उतर कर नहीं जाते, अब तो कन्हैया हैं तो कन्हैया को तो गोपियां प्यारी लगती, तो सोचे बाबा जी को क्या देखना है, गोपियों को देखते हैं तभी ठीक रहेगा। इसलिए उनका मन अगर नीचे जाने का है तो उनकी खुशी में हमारी खुशी है। नारायण में निवेदन कर रहा था आप सबसे, हमारे श्री राघवेंद्र सरकार के आने की सूचना जब निषाद राज को मिली तो श्री राघव के स्वागत के लिए नारायण आए हैं, वो फल फूल लेकर के, भेंट लेकर के, समाज को लेकर के दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने भी बड़े प्रेम से उनको संभाला है। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। यह है राघव की विशेषता, नारायण अद्भुत है, भगवान ने अपने समीप ही बैठा लिया, पास में बैठा लिया और उनसे कुशलता पूछी। निषाद ने कहा महाराज अब हमारी कुशलता क्या पूछते हो आप, नाथ कुशल पद कम पंकज देखे, अब आपके चरणारविंद का दर्शन हो गया है तो कुशलता हमारे साथ ही रहेगी। भयो भाग भाजन जन लेखे, अब तो भाग्यशालियों में हमारी गिनती होगी, आज आप हमारे यहां, मैं जनु नीच सहित परिवार, ये दीनता है नारायण। और भगवान को नारायण मुहे दीन प्यारे, भगवान को दीन जन प्रिय हैं, ऐसी दीनता का व्यवहार किया, भगवान को दीनता प्रिय है, भगवान ने नारायण उनको स्वीकार किया है। अब जब श्री राघव वहां से चल करके निषाद राज के साथ प्रस्थान कर रहे हैं,
बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री संत भगवान की। हमारे श्री अवध धाम से पधारे हुए पूज्य संत प्रवर श्री अखिलेश्वरदास जी महाराज और कोरबा के ही हमारे पूज्य संत प्रवर जो सीतामढ़ी अखाड़े के द्वारा खालसा के महंत हैं पूज्य चरण श्री विजयानंद दास जी महाराज के युगल संतों के श्री चरणारविंदों में मैं साष्टांग वंदन करता हूं। संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज इस लीला को निहारते हुए कहते हैं कि जब लोगों ने उनको देखा श्री राम को श्रियाजू को श्री लखन लाल जी को तो आपस में स्त्रियां कहने लगी ते पी तो मां तो कहो सखी कैसे है, अरे सखी इनके माता पिता कैसे हैं। दूसरी सखी ने कहा क्या बात है, बोले इतने सुंदर बालक और ऐसे बालकों की भी उन्होंने कैसे बन भेज दिया। दूसरी चतुर सखी ने कहा बाबरी हो ये श्री दशरथ जी महाराज ने हम सब पर कृपा की है, अगर इनको वन में नहीं भेजते एक कहीं भल भूपति की ना, ये राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया भला किया, हमारा क्या भला किया, अगर ये नहीं आते तो हम अभागे इनके दर्शन करने के लिए अवध थोड़ी जा पाते, और वहां जाकर के भी इनका दीदार हो पाता कि नहीं हो पाता। आज श्री दशरथ जी महाराज की कृपा से ऐसा सौभाग्य मिला है कि हम भी इनके लोयन लाव लाव हम ही विद दीना, विदाता ने हमारे भी नेत्रों को लाभ दिया। और एक बात सच कहे नारायण, आप लोग अन्यथा मत मानिएगा और मान जाइएगा तो आज हमारी तरफ से डबल रोटी खा लीजिएगा, क्योंकि अपने राम पैसे के लिए तो कथा करते नहीं है, हमारा जीवन है कथा, तो कथा में रमण करते रहते हैं अपने स्वांत सुखाय है। तो सच्ची बात कहने के लिए मुझे कभी संकोच नहीं होता है। ये जो भगवान ने हमको आंखें दी है ना, इन आंखों का एकमात्र लाभ है भगवत दर्शन। अक्षण्णताम फलमिदम न परम विदामह, वेणुगीत में गोपांगनाओं ने जीवनधन गोविंद को निहार करके कहा कि इदम श्री कृष्णम, ये सामने जो श्री कृष्ण हैं यही हमारे नेत्रों के लाभ हैं। आप चाहे कितना रुपया कमा लेना, चाहे कितनी फैक्ट्री लगा लेना, अगर इन आंखों से आपको भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो अभी आप घाटे में हो, क्योंकि आंखों का लाभ आपको मिला ही नहीं। और जैसे आप हमें देख रहे हो, आपको हमारी आंखें देख रही हैं, वैसे इन्हीं आंखों से सगुण साकार के दर्शन होते हैं। यदि हमारे चित्त में लालसा हो तो, उत्कंठा हो तो, पिपासा हो तो, अरे बाबा एक सामान्य सिद्धांत है, चाहे नाले का पानी हो, चाहे गंगा जी का पानी हो, चाहे किसी नदी का पानी हो, जीरो टेम्परेचर नीचे जाने के बाद वो पानी जम जाएगा कि नहीं जम जाएगा, जम जाएगा। ऐसे चाहे किसी देश में आप रहते हो, चाहे किसी जाति में रहते हो आप, जहां आपके अंतकरण का टेम्परेचर जीरो हुआ, अभिमान शून्य हुआ, वहीं आप भगवान को जिस रूप में देखना चाहोगे उस रूप में भगवान आपको दिख जाएंगे। बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांत है। और हमने तो गुरुजनों की कृपा से, पूज्य संतों की कृपा से ऐसे ऐसे संतों का दर्शन किया है नारायण, जिनके साथ ठाकुर जी सोते हैं, जिनके साथ बात करते हैं, जिनके साथ क्रीड़ा करते हैं। अभी भी ऐसा मत समझिएगा कि घटना नहीं घटती है, अभी भी घटती है। सच कहें
रास्ते की नागरिनी महाराज, गांव की ग्रामीण माताओं ने बात बिल्कुल सही कही है कि विधाता ने हमारे आज नेत्रों का लाभ दे दिया। लोयन लाभ, ये लोचन के लाभ हैं। और मारा तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु शिशुपा मनोहर जाना। वर्णन ये है, किसी निषाद राज ने प्रार्थना की कि हे प्रभो, इस दास की कुटिया आप पवित्र करें, इस दास के यहां चलकर के अनुग्रह करें। हमारे श्री राघव ने कहा कि माता पिता की आज्ञा के आधार पर हम 14 वर्ष घर नहीं जा सकते, केवल वन में ही रहेंगे, इसलिए हम तुम्हारे यहां जा नहीं सकते राज्य में। तो निषाद राज ने देखा कि महाराज एक शिशुपा वृक्ष था, मनोहर था, गांव वालों को बुलाया, सेवकों को ले रख महाराज सबको बुलाया, दंडवत कराया, प्रणाम कराया। और प्रणाम आदि करने के बाद जब श्री राघव हमारे सायंकाल संध्या वंदन के लिए सिधारे, तो गुह सवारी साथरी दसाई, निषाद राज ने सैया बनाई। और जानते हैं किसकी सैया बनाई, कुश किशलय में मृदुल सुहाई। वैसे तो साधन की एक अपनी अपनी परंपरा है, मनुस्मृति में भी, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी वर्णन है कौन सी साधना कौन से आसन पर बैठकर करनी चाहिए, ये भी नियम है। आसाधन भजन करने के लिए आप गृहस्थों भी ध्यान रखना, प्रयास ये करना कि कभी बिना आसन बिछाए बैठना नहीं चाहिए, निषेध है। साधन भजन जब करना हो तो अपना आसन होना चाहिए। और उसमें तो अलग अलग ढंग सा वर्णन, उतना तो नहीं आप कर सकते, कम से कम अगर ज्यादा विचार न कर सको तो ऊन का आसन रखा करो, वो अपवित्र नहीं होता है। और साधन भजन करने के लिए श्रेष्ठ है। और अधिकतर शास्त्रों में मैंने देखा साधन पद्धति में निषिद्ध है नारायण, एक कॉटन का जो आसन होता है सूत का, वो निषिद्ध है। अलग अलग साधना के लिए अलग अलग आसनों का वर्णन है, किंतु सहज उपमन होने वाला उनका आसन है। कुशासन की तो क्या कहना है, कुशासन तो बहुत पवित्र है। और वन में रहने वाले लोग, यहां जो कुश किसलय में मृदुल सुहाई, हमारे श्री विजयानंद जी महाराज, पूज्य महाराज जी तो आए, इनका नाम भी विजयानंद जी है, किंतु काशी में रामायण के बहुत अद्भुत व्याख्याता हुए विजयानंद त्रिपाठी, और उनकी टीका है रामायण पर। बंधु ये ध्यान रखना, रामायण की चौपाई देखने में तो लगती है सामान्य है, किंतु इसके अर्थ बड़े बड़े विद्वान न कर सके। ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं रामचरितमानस, बच्चे से बच्चे भी आनंद ले लें और विद्वान से विद्वान आनंद ले लें। तो पूज्य श्री विजयानंद त्रिपाठी जी महाराज ने एक बड़ी रसीली बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी वो, और युक्तियुक्त लगती है, कि पहले तो इन्होंने बड़ा आसन कुश का तैयार किया, शिशुपा वृक्ष के नीचे कुश बिछा दिया, और कुश में एक एक फुट महाराज चारों तरफ उन्होंने छोड़ दिया, और बीच में कोमल कोमल पत्ते, किशले जिनका नाम है, उनकी सैया बिछा दी। कुश का आसन इसलिए बिछाया कि रात्रि में सोते समय कुश में बिच्छू और सर्प नहीं जाते, क्योंकि सर्प भी यदि जाएगा तो उसके जो महाराज तना होता है इतना नुकीला होता है कि उसको काट देगा, उसके तन को तो सर्प नहीं चढ़ता, बिच्छू नहीं चढ़ती। अब वन में रहना है तो आसन में विश्राम करना है, तो स्वाभाविक है ये जंतु न जाए। और कोमल कोमल किशले भी महाराज मृदुल सुहाई बिछा दिया, और उनको महाराज फल मार पानी पिला करके दोना भर करके दिया, और उनको विश्राम करा करके महाराज जब चला गया वह, हमारे श्री राघवेंद्र सरकार सैया पर शयन कर रहे थे, और चारों तरफ उसने अपने सैनिक लगा दिए थे कि कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। अपने ढंग से उसने पूरी महाराज विशेष व्यवस्था की थी। पास में श्री लखनलाल जी भी जाग रहे थे,
कटिभाती सरचाप चढ़ाई, धनुष्वान चढ़ाकर जाग रहे थे। संयोग से निषाद को लगा कि हमारे सैनिक, हमारे सेवक कहीं प्रमाद युक्त नहीं हो गए रात्रि में देखें। और जब नारायण रात्रि में देखने के लिए निकला तो बहुत पीड़ा हुई। सोचने लगा कि पैफेन के समान सैया जिनके घरन में, ऐसे रघुरैया कुछ साथरी बिछाए के सोए रहे। हमारे दक्षिण के ग्रंथ में वर्णन है कि जब श्री राघव हमारे धनुष्वाण चलाना सीख गए थे तो बन बन घुमाने के लिए निषाद की सेवा लगी थी, निषाद की ड्यूटी लगी थी। दशरथ जी महाराज ने इनकी चारों बच्चों को वन में घुमाओ, तो छोटे छोटे धनुष्वाण लेकर के ये सब भागते थे वन में, कभी किसी पशु के पीछे, कभी किसी के पीछे। तो निषाद की सेवा थी वो। उस समय निषाद राज को अवध के महलों में रहने का पता लगा था कि कैसे श्री राघव रहते हैं, श्री राम जी की कैसी व्यवस्था महलों में है। और उस व्यवस्था का स्मरण करके और राज की व्यवस्था का स्मरण करके रोने लगे। और नारायण रोते रोते चिंतन उनके आया कि निश्चित रूप से हमारे राघव को दुखी बनाने का यदि काम दुनिया में किसी ने किया है तो इस कैकेयी ने किया है। और भाषा सुनिए नारायण, कैकेयी नंदन मंद मति कठिन कुटिल पनुकीन। ये कैकेयी जो है, कैकेयी नंदन की बेटी, महाराज कैकेयी देश की बेटी, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। जिसने महाराज सुख का अवसर आया था जानकी का, श्री राघव का, उसने निश्चित रूप से अपराध किया या उनको दुख दिया है। और चिंतन करने लगा, किंतु बंधु एक निवेदन है हमारा, इसको बहुत सावधान होकर सुनिएगा, आपके हमारे सबके काम की चीज है। जब भी आपके दुख में, किस जीवन में दुख आए, किसी से द्वेष होने लगे, क्योंकि जब भी हम दुख पाते हैं तो हम किसी न किसी को दुख का निमित्त बताते हैं। आप देखेंगे कोई ना कोई, किसी से पूछो क्यों दुखी हो तो बता देंगे अमुक के कारण दुखी हैं, दुख का कारण वो है। आपके चित्त में जब दुख का, अच्छा राग और द्वेष हैं क्या, ये दोनों खतरनाक हैं। राग भी खतरनाक है, द्वेष भी खतरनाक है। द्वेष की जो वृत्ति है वो ज्वलनात्मक है, तुरंत जलाती है, और राग की वृत्ति परिणाम में जलाती है। ध्यान रखिएगा, दोनों ज्वलनात्मक वृत्ति है। अगर किसी से मोहब्बत कर लोगे तो परिणाम में रोगे, क्योंकि जिससे मोहब्बत करोगे जब आपसे वह दूर चला जाएगा तो आपको रोना पड़ेगा। और इस संसार में कोई भी व्यक्ति सदा आपके साथ न रहा है न रह सकेगा। एक जीवन में सूत्र बना के रख लेना, जो मिला है वो आपसे छूटेगा। अब क्या क्या मिला है इसकी लिस्ट बना लेना कभी बैठ करके। घर मिला है वकील साहब, ये भी छूटेगा। पत्नी मिली है, बच्चे मिले हैं, पद प्रतिष्ठा मिली है, सब छूटेंगे, क्योंकि एक नियम है, एक कानून है, जो मिला है वो छूटेगा। और मिली हुई वस्तु से, मिले हुए व्यक्ति से आप यदि राग करोगे और छूट जाएगा तो रोना ही पड़ेगा। तो दोनों वृत्तियां जलाती हैं। तो यदि हमारे जीवन में कभी द्वेष का संचार होने लगे तो जगे हुए व्यक्ति के पास जाना। अब जगे हुए व्यक्ति के पास जाओगे तो तुमको जगा देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि दुख का कारण कौन है। तो दुख का कारण यदि आपको पता चल जाएगा कि कौन है तो निश्चित रूप से आपकी दुश्मनी चली जाएगी। मैं तो कई बार कहता हूं, जो दुनिया के लोगों से दुश्मनी मानते हैं वो नंबर वन के मूर्ख है, नंबर वन के नासमझ हैं, अविवेकी हैं। आप कहेंगे क्यों, दुख जिससे महाराज हमको होता है उसी से हम द्वेष मानते हैं। अब देखिए, बड़ा दिव्य सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझने लायक है। यहां पर जब लखनलाल जी के पास निषाद गए, जो विषाद ग्रसित थे,
भयउ विषाद निषाद ही भारी, निषाद को विषाद हो गया और महाराज वह विषाद युक्त हो करके राम सीय मही सैर निहारी, क्योंकि उन्होंने राम को और सिया जी को पृथ्वी में सोते हुए देखा और लखनलाल जी के पास में जाकर के प्रणाम करके कहा कि एक बात कहूं, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, मैं बहुत दुखित हूं, व्यथित हूं और ये कैकेयी के कारण दुखित हूं। ये कैकेयी ने ही कुटिलपन करके ये सब काम किया है। वारे वार लखन जी हमारे जीवाचार हैं जी, शेषावतार हैं, जीवाचार हैं। शेषावतार ने इतनी बढ़िया बात कही, उन्होंने कहा काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, जो भी हम सुख दुख पा रहे हैं उसमें हमारा कर्म ही उसका हेतु है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ दूं, आजकल तो डाक व्यवस्था गड़बड़ा गई तो वो तो ना समझ पाओगे, कोरियर की व्यवस्था समझ लो। मैं तो कई बार विनोद में कहता हूं कि मानो श्रीधाम वृंदावन से हम कोरियर में आपको बिहारी जी का प्रसाद भेजें, कोरियर में, और जब आपको बिहारी जी का प्रसाद मिले और आप प्रसाद पाकर प्रसन्न हो तो मोबाइल में फोन करके या उसमें फोन करके हमको धन्यवाद दोगे कि कोरियर मैन को? अरे बोल दो भाई, भेजने वाले को दोगे कि धन्यवाद आपने भेज दिया? ये पक्का है ना? अथवा कोई आपको लव लेटर भेज दे तब भी धन्यवाद दोगे? और हो सकता है गाली का लेटर आ जाए, कई बार कई लेटर आ जाते हैं, तो गाली का लेटर आएगा तो गालियां पढ़ करके आप कोरियर मैन को आप गाली दोगे कि ऐसा पत्र क्यों दे गए भेजने वाले को? तो ये जो सुख और दुख देते हुए लोग नजर आ रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा ये कोरियर मैन है, इनका कुछ उसमें दोष नहीं है। हमने महाराज देखा है कई बार, हम तो रिसर्च करते रहते हैं समाज में भी व्यवहार में भी, जहां उठते बैठते हैं लोगों के साथ, हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति महाराज सबको सुख देता है। अगर उसके बारे में तुम किसी को कह दो कि आदमी खराब है तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई नहीं मानेगा, और वही अपने को दुख देता है। आप विचार करके देखिएगा, हम परिवारों में कई लोगों को देखते हैं कि समाज के लोगों का इतना हित चिंतक है वो कि रात्रि में 1 बजे भी समाज में कोई दुख हो तो उसके साथ खड़ा है। समाज के लोग उसको व्यवहार में भगवान मानते हैं और उसके बेटा बेटी दुखी हैं कि पापा जी जैसा दूसरा कोई दुनिया में है ही नहीं। अगर वो बेटा बेटी किसी से शिकायत कर दे कि हमारे पापा ऐसे, तो कहेंगे दोनों मूर्ख हैं ये, किंतु उनको दुख मिल रहा है तो आप क्या कहोगे, क्योंकि उनके प्रारब्ध में दुख है ही। तो ये कोरियर मैन है, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है, अपना कर्म ही अपने को सुख दुख देता है, ये सामने वाले को कोरियर मैन बना करके। अवश्य वे वो भोक्तव्यम, देवी भागवत, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप शुभ और अशुभ कर्म जो भी करते हो, ध्यान दीजिएगा उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। अब 3 सिद्धांत हैं हमारे वेद के, वेद 4 हैं, सिद्धांत 3 हैं। 3 सिद्धांत में ही चारों वेद समाये हुए हैं, एक कर्म का सिद्धांत, एक उपासना का सिद्धांत और एक ज्ञान का सिद्धांत, और तीनों सिद्धांतों की एक अपना दर्शन है और अपनी एक महिमा है, और तीनों अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, कोई गलत नहीं है। वेद प्रतिपाद्य है, भगवत प्रतिपाद्य है। तो कर्म का सिद्धांत तो नारायण ये है कि जो हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल भोगते हैं, एक बात, और भक्त जब ऐसा हमको दृढ़ निश्चय होगा तो किसी से दुश्मनी करोगे, कोरियर मैन से नहीं करोगे,
पक्का भाई ध्यान रखना, आज से ये निश्चित कर लो, मैं चिंतन करता रहता हूं, कोई भी तुमको सुख दे दुख दे, जान जाना ये तो बेचारा कोरियर मैन है, आपकी दुश्मनी उससे नहीं होगी, राग भी नहीं होगा। अपने लोगों को तो चाहे कितना कोई प्रेम दे और चाहे कितना सम्मान दे, हम उसके बस में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि मुझे पता है सब हमारे ठाकुर जी करवाने वाले हैं। अगर उनकी कृपा है तो सामने से प्रेम स्नेह सब कुछ मिल रहा है, अगर थोड़ा इधर से उधर आंखें हुई तो यही लोग फिर गाली देने लगेंगे। तो दूसरा सिद्धांत भक्ति का है, भक्ति के सिद्धांत में अपने प्रीतम के अलावा कोई कुछ करने वाला नहीं, भगवान के अलावा कोई कुछ करने वाला नहीं है। और भगवान जो अपना प्रेमास्पद है, आप जरा इस पर थोड़ा चिंतन कीजिएगा, मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूं, सैद्धांतिक पक्ष आप तक पहुंचे केवल किस्सा कहानी न रह जाए, हम चाहते हैं आप उसको जियो, थोड़ा अंदर बढ़ो भक्ति के सिद्धांत से। भक्ति का सिद्धांत यह कहता है कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है, और जब सब कुछ करने वाला परमात्मा है और परमात्मा हमारा प्रेमास्पद है, तो परमात्मा के द्वारा दी गई पीड़ा आपको सुख देगी कि दुख देगी? सुख देगी। आप कहोगे पीड़ा में भी सुख होता है क्या? कैसे सुख देगी पीड़ा? मैं आपको निवेदन करता हूं, ये मैं थोड़ा ऊपर बोल रहा हूं, समझ जाइएगा, काटने में सुख है वकील साहब की दुख? बोल दो, सुख की दुख? दुख। लाग कर दूं? ठीक है, लाग कर दिया। किंतु आशीष का बेटा जब उसके छोटे छोटे दांत निकलते हों और आप उसके मुख में डाल के कहते जरा काटना, और वो काट देता है तो सुख मिलता है कि दुख? सुख मिलता है कि दांत आ रहे हैं, ये लीजिए। और काटने में कहां सुख मिलता है उसकी बात मैं नहीं कहूंगा, वो आप अपने आप जान जाना। ये सुख दुख का संबंध कहां से आया? सिद्धांत यह है कि दुनिया में न तो कहीं सुख है न तो कहीं दुख है। जिसको हमारा मन सुख मान लेता है वह सुख हो जाता है, जिसको हमारा मन दुख मान ले जाता है वो दुख हो जाता है। अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। जो अपने अनुकूल होता है उसका नाम हम सुख रख देते हैं, जो प्रतिकूल होता है उसका नाम दुख रख देते हैं। मैं तो महाराज एक दिन दंग रह गया, बंबई में एक कपड़े के व्यापारी, बड़े नाम वाले व्यापारी हैं, नाम उस परिवार का पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उनका एक दिन पोता आया हमारे पास, क्योंकि वो हमारे महाराज जी की परंपरा के हैं शिष्य परिकर, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है। आकर के मेरे से बोला, महाराज जी, हमने कहा क्या बात है? बोल भाई। बोले हमको कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे मैं बीमार पड़ जाऊं। ऐसा चेला पहली बात मिला था। मैं तो दंग रह गया कि सब लोग स्वस्थ होने का मंत्र मांगते हैं, ये बीमार होने का मांगता है। तो हमने कहा बात क्या, सच सच बता। बोले मेरी मम्मी को तो नहीं बताओगे? हमने कहा सो तो नहीं बताएंगे, बात बता क्या बात है। बोले अभी लीलावती हॉस्पिटल में हमारी मम्मी के घुटने बदले, तो करीब माता जी को वहां रहना पड़ा कई दिन तक। तो मैं वहां जाता था, वहां जाने के बाद एक नर्स से हमको प्रेम हो गया। अब जरा सुनिएगा इसको, नर्स से प्रेम हो गया, मम्मी वहां से आ गई, अब हम अंदर जा ही नहीं पाते, और जा नहीं पाते तो वो नर्स मिल नहीं पाती। तो मैंने विचार किया यदि बीमार हो जाऊंगा तो वहां एडमिट होऊंगा तो नर्स मिल जाएगी। अब जरा विचार कीजिए, ये सुख है कि दुख है? ये सुख है। तो ये तो जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, हमारा प्रीतम, इसलिए भक्तों को कभी शिकायत नहीं होती है। शिकायत और शिकवा कोई इबादत नहीं है, शिकायत और शिकवा कोई इबादत नहीं है, इसलिए भक्तों को करने की आदत नहीं है। अच्छा, ये सिद्धांत तो चलो, पहले जो कर्म का सिद्धांत मैं आप लोगों को बता रहा था, थोड़ा सजग होकर सुनिएगा। तो राम जी का ऐसा कौन कर्म था
जिस कर्म के कारण राम जी को वन में दुख मिल रहा है, कोई तो होगा भाई। राम जी ने क्या कर्म किया जिस कर्म के कारण इनको ये दुख मिल रहा है? एक कर्म की बात पहले एक दृष्टांत देते फिर समझ जाओगे। एक व्यक्ति कहीं से निकल रहा था और उसकी आंखों ने एक बहुत बढ़िया बगीचा देखा आम का, तो उसके मन में आया कि आम खाएं, तो वो चल करके गया। देखा आंखों ने, चल कर गए पैर और हाथ से तोड़ा आम और बैठकर खा रहा था। मुख सबका काम अलग अलग है, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। अपराध कौन कर रहा है और भोगता कौन है? तब तक महाराज उस बगीचे का मालिक आ गया, उससे कहा किसने पूछा तुम, किससे पूछकर तोड़ा तुमने, तेरे बाप का बगीचा है। उसने कहा मैंने किसी ने नहीं पूछा। तो उसने दो लाठी पीठ में मार दी। अब देखो भाई, आंख ने देखा, पैर चल कर गए, हाथ ने तोड़ा और खाया मुख ने, और पिटाई किसकी हुई? पीठ की। तो लगता है कि अपराध कोई और कर रहा है और दंड और किसी को मिल रहा है, किंतु नारायण पीठ की भले पिटाई हुई हो किंतु आंसू कहां से निकले और अपराध कहां से चालू हुआ था? सिद्धांत समझ में आ गया कि नहीं? राम सूत्रधर अंतर्यामी कवि उर अजिर नचावही बाणी। राम ही सूत्रधर है, तो राम जी ने महाराज और उनके ही सारे पर ही सरस्वती काम करती है, ध्यान दीजिएगा। और सरस्वती ने राम के सारे पर काम करती सरस्वती, और सरस्वती ने मति घुमाई मंथरा की, और मंथरा ने मति घुमाई कैकेयी की, और कैकेयी ने इनको मार मांग लिया और राम जी वनवासी बने। तो प्रारंभ कहां से हुआ था जी? राम जी से ही हुआ था, क्योंकि उनके बगैर सरस्वती काम नहीं कर सकती है। और दूसरी बात तो यह कि नारायण हम लोग इसको सुख दुख मानते हैं, किंतु परमात्मा को इन घटनाओं से कोई सुख दुख नहीं है, बिल्कुल कोई सुख दुख नहीं है, एकदम किसी दोनों में सम रहते। हम सुनाएंगे आपको कहीं कई प्रसंग ऐसे हैं कि भगवान पहले उपदेश दे रहे, नारद जी आ जाएंगे तो थोड़ा रो लेंगे, क्योंकि नारद जी को लगेगा कि हमने श्राप दिया था बाबा जी पर, असर ही नहीं हुआ, तो हंसते हंसते रो लेते कि नारद जी खुश रहे, उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हमारे श्री लखनलाल जी महाराज ने समझाया कि जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रवफंदा, जन्म मरम जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू, धनन धाम धन पुर परिवारू, सरगु नरक जहां लग व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये ज्ञान की दृष्टि है। ये जितना आप देख रहे हैं, हानि है, लाभ है, जीवन है, मरण है, हमारा जन्म है, दुख पाना है, ये सब कोई सत्य नहीं है। कैसे सत्य नहीं है इसको समझिए। सपने होई बिखार नृप रंक नाक पति होई। अगर आप स्वप्न में, वकील साहब हमारी तरफ देखो, मामला भी हमारा आपका बाकी है जी, आज कौन सा दिन है? पंचम की षष्ठम, षष्ठ है, षष्ठ दिन है, तो अब तीन ही दिन रह गए हैं, तो तीन दिन तक तो हमारा तुम्हारा मामला ऐसा, दूसरी तरफ देखोगे तो हम जलेंगे, उसके बाद तुम्हारी पत्नी संभालेगी जलने वाले का, इसलिए अभी हमारी तरफ देखो केवल। अच्छा, कह रहे हमारे राधिका चरण की, कह रहे थे मैं तो रामायण में फंस गया हूं, अब तो बाबू फंस गए और निकल तो नहीं पाओगे, और हम गारंटी से कहते हैं ऐसे फंसोगे कि अब जीवन में नहीं निकल पाओगे। अब ऐसा फंस गए हो कि एक 9 दिन का ही काम नहीं है, आप ऑफिस में भी बैठे होगे तो तुमको ये आवाज सुनाई पड़ेगी, कहीं बैठे होगे आपको ये चिंतन सुनाई पड़ेगा। चिंतन है आपको सुखी बनाने का, तो इसको आप बिल्कुल सजग होकर के सुनो। स्वप्न में जो चीजें हम देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो सच्ची होती है? स्वप्न में आपको राजा बना दिया जाए तो जागने के बाद आप राजा हो गए?
मानो थोड़ी देर के लिए हम संकल्प कर रहे हैं कि आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बना देते हैं स्वप्न में रात भर के लिए, किंतु राष्ट्रपति बन जाने के बाद सुबह जगोगे तो क्या मिलेगा आपको? वही वकील साहब मिलोगे बिस्तर में, और कुछ नहीं। अच्छा भिखारी बन जाओ मानो रात स्वप्न में, तो जागने के बाद भिखारी नहीं रहोगे। तो जागे लाभ न हानि कछु, स्वप्न में जो भी आप बनते हो जागने के बाद ना उसकी हानि है ना आपको लाभ है। वैसे ये सारा का सारा प्रपंच है। अगर ये सिद्धांत आपको समझ में आ जाए तो आप सदा आनंद में रहोगे। ये नारायण आपको एक निवेदन कर दूं, अध्यात्म विद्या तुम्हें सुखी बनाने के लिए, अध्यात्म विद्या आनंद में रखने के लिए। आपको मानो कोई घाटा हो गया हो, और वकील का घाटा क्या होगा, मानो कोई अच्छा पैसे वाला क्लाइंट मिला हो और छूट गया हो, या कोई मुकदमा हार गए हो उदाहरण के लिए, तो बड़ी बेचैनी होती है, और नींद ना आ रही हो कि कैसे हार गए, कभी हारे नहीं, और उस समय तुम्हें ध्यान में आ जाए कि जीतना हारना सब स्वप्न में था, हम तो जागे हुए पुरुष हैं, तो नींद आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये सारा हानि लाभ जो भी है सब स्वप्न जगत का है। ये बाबा की शैली है नारायण। हम तो बाबा को वंदन करते हैं, संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज को, इन्होंने सभी को लिया है इसमें। स्वयं भक्ति के उपासक थे, स्वयं उनका जीवन भक्तिमय था, भगवत प्राप्त महापुरुष, सगुणोपासक, नाम में जीवन लगाने वाले महापुरुष, किंतु वेदांत के दर्शन को भी जहां जैसे चाहिए वैसे निरूपण किया है, कहीं खींचा नहीं उन्होंने। हम इस शरीर पर बलिहार हो जाते हैं, कहीं भी खींचातान करके अर्थ नहीं किया है, जो जैसी बात है वैसी रख दिया इन्होंने। बोले अस विचार नहीं कीजिए रोसू। हमारे श्री लखनलाल जी ने निषाद को कहा कि ये चिंतन करके तुम रोस मत करो कि कैकेयी ने इनको बंदे दिया है, काहुई बाद न देही दोष, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। मोह निशा सब सोवनु हारा, मान मोह निशा सब सोवनु हारा, ये सारा का सारा संसार मोह की निशा में सो रहा है। मोह माने होता है मुह बै चित्ते, हमको राग हो गया है और उस रात्रि में हम सो रहे हैं। और देखिए सपन अनेक प्रकारा, ये संसार रूपी महाराज स्वप्न देख रहे हैं हम सब, और इसके कारण दुख पा रहे हैं। यही जग जामिनी जाग ही जोगी, इस जामिनी में इस रात्रि में अर्थात मोह की रात्रि में कौन जागता है? बोले योगी जागते हैं। कौन से योगी? बोले परमार्थी प्रपंच वियोगी, जो परम अर्थ को स्वीकार करने वाले, परम अर्थ परमात्मा ही है। और संसार का जो वियोगी है, संसार से जिसको कोई लेना देना नहीं है, तो बोले महाराज जागे हैं कि नहीं जागे इसकी क्या पहचान, हम नींद में हैं कि जगे हुए हैं, इसकी पहचान वकील साहब एक ही है। अगर हम नींद में हैं तो ध्यान दीजिएगा नींद की घटना क्या होगी, तो हमको विषय अच्छे लगेंगे। अगर हम जाग गए, जानी तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, सारे विषयों से जब व्यक्ति को वैराग्य होने लगे तब जान जाइएगा कि हम जाग गए हैं। और जब जागेंगे तो विवेक होगा हमारे जीवन में, और विवेक होगा तो मोह भाग जाएगा, और जब मोह भागेगा तो हमारे श्री रघुनाथ के चरणों में अनुराग जागेगा। मोह भागेगा भगवान से प्रेम जागेगा। सखा परम परमारथ ये हु, अमर श्री लखनलाल जी ने कहा हे मित्र यही परमारथ है, मन क्रम वचन राम पद ने हु, मन से क्रम क्रिया से वचन से सबसे आप भगवान राम के चरणों में स्नेह हो। इस प्रकार से महाराज श्री लखनलाल जी ने इनको समझाया। इसलिए मैं निवेदन करता हूं संपत्ति और विपत्ति में दोनों में संत शरण में रहना चाहिए, संत आश्रय में रहना चाहिए, वैष्णव आश्रय में रहना चाहिए, दोनों में फायदा है।
अगर संपत्ति बहुत आ गई और संत का आश्रय नहीं होगा आप लोगों के जीवन में तो इतरा जाओगे, अभिमान से भर जाओगे, और अभिमानी व्यक्ति फिर कर्म अच्छे नहीं कर पाता है। उसको क्या अच्छा है क्या बुरा यही पता नहीं चलेगा। तो धन आए संपत्ति आए तब भी संत आश्रय हो, जगे हुए महापुरुष का आश्रय हो, और विपत्ति आए तब भी महापुरुष का आश्रय हो, दोनों में। क्योंकि विपत्ति आएगी किसी महापुरुष का आश्रय नहीं होगा तो आप घबरा जाओगे और लगेगा पता नहीं ये दुख मिटेगा कि नहीं मिटेगा। हमने महाराज लोगों को देखा है कर्जा ज्यादा हो गया तो आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। किंतु महाराज वो भी समय ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, अगर किसी संत के साथ होगी। महाराज हम एक सज्जन से विदेश में मिले तो उनके पूरे कमरे में चारों तरफ दीवालों में एक ही वाक्य लिखा था, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। जिधर दीवाल में आप आंखें डालो तो उसमें वही लिखा था, ये नहीं रहेगा। मैंने पूछा ये क्या बाबरापन है, क्यों लिख रखा है आपने ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरुदेव हैं अवध के, और कहा हमारे महाराज जी से ही परिचित है, महाराज जी का साहित्य ईश्वर की कृपा से किसी भी महाराज परंपरा का व्यक्ति हो, अगर उसको भागवत की कथा कहनी है, रामायण की कथा कहनी है, शास्त्र चिंतन करना है, तो हमारे गुरुदेव को पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि भागवत का अनुवाद गीता प्रश्न निकला तो हमारे आराध्य का ही किया हुआ है। आज भागवत की कथा पूरे विश्व में हो रही है, उसका श्रेय केवल हमारे आराध्य गुरुदेव को है। पहले इसमें हिंदी का अनुवाद नहीं था तो आज सारे लोग सुनते हैं। तो हमारे महर्षि के अनुचर हैं, उनके द्वारा उनको मिला था तो उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में जब कोई घटना घटी तो हम संत के पास गए। बोले पहले हम छोटे थे तो हमारे पिताजी मर गए तो हम बहुत दुखित, अब हमको कौन संभालेगा, और इतने दुखित थे तो उन्होंने कहा देखो बेटा ये भी समय नहीं रहेगा, तुम स्वयं संभालने वाले बन जाओगे। फिर बोले पैसा बहुत आ गया तो अब हमको महाराज लगे कहां खर्चा करें क्या करें, और सब हमको महाराज लगे कि इसको ठिकाने लगा दे, इसको ठिकाने लगा दे, जो हमको कोई गाली दे दे उसी को निपटाने के चक्कर में पड़ जाए। तो गुरुजी ने कहा कि ये भी नहीं रहेगा, जो आया है ना धन ये भी नहीं रहेगा। बाद में महाराज ब्याह हो गया, फिर पत्नी आ गई तो उससे सुखी थे, बोले ये भी नहीं रहेगा, वो भी चली गई। तो कहा ये परिवर्तन संसार केवल गुरुजी की कृपा से मैं शांत हूं, आज चाहे जैसी घटना घट जाए मैं ये पढ़ लेता हूं कि ये भी नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा हर समय पर आप किसी संत के आश्रय में रहो। अगर निषाद श्री लखनलाल जी की शरण ग्रहण नहीं की होती, जीवाचार्य की शरण ग्रहण नहीं की होती तो निश्चित रूप से वह द्वेष से फंस जाता, लखनलाल जी के चरणों में नहीं आता तो कैकेयी मैया को ही गाली देता रहता, और कैकेयी मैया को गाली देता तो कोई बहुत पुण्य का काम नहीं करता, अपना परलोक बिगाड़ लेता। हमारे श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा है कि कैकेयी को जो दोष देगा उसने साधु सभा नहीं सही है, अगर उसने साधु की सभा सही होती तो कैकेयी को दोष नहीं देता। हमारे पूज्य रामकिंकर जी महाराज, पूज्य पंडित जी महाराज का एक ग्रंथ है कि कैकेयी निंदनी की बंदनी, ग्रंथ का नाम है कैकेयी निंदनी की बंदनी, उसकी निंदा की जाए कि बंदन किया जाए, मुझे लगता है करीब 400 पेज का होगा। और पूज्य आचार्य चरण ने महाराज ये सिद्ध कर दिया कि कैकेयी निंदनी नहीं बंदनी है। आप समझ जाइएगा कैकेयी निंदनी बिल्कुल नहीं है, एकदम निंदनी नहीं, वह बंदनी है। उसने राघव की आज्ञा मान करके ये सब काम किया है तो वह निंदनी कैसे हो सकती है, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ी उसकी सहन शक्ति। तो बस निवेदन यही करता था कि उससे द्वेष से भर जाते, किंतु लखनलाल जी महाराज ने ऐसा प्रयोग किया कि हृदय से सब द्वेष चला गया और उनके चित्त में नारायण आनंद भर गया। इधर प्रातःकाल श्री हमारे राघवेंद्र सरकार जगे हैं और जग करके नारायण स्नान आदि किया, और स्नान आदि करने के बाद कहा कि एक काम करो। क्या काम करना है? इशारा किया कि हमको बट वृक्ष का दूध मंगाओ।
बटवृक्ष का दूध जानते हो कि नहीं? बटवृक्ष के महाराज शरीर में थोड़ा भी पत्थर मारो तो सफेद सफेद निकलता है, पत्ते तोड़ो तो सफेद सफेद निकलता है। बट क्षीर मंगाया, बहुत बट सेवक दौड़ करके चले गए, पता भी नहीं था कि किस लिए मंगाया जा रहा है। कटोरों में भर भर करके महाराज ले आए, सेवक सरकार ले आए हैं। और जो सामने आ गए, सुमंत जी महाराज बैठे थे, निषाद जी भी वहीं बैठे थे। राम जी ने महाराज सुंदर जो केश पास थे, हमारे राघव के इतने सुंदर बाल हैं, उन बालों के और श्री जानकी के बाल, लखन के बाल जो सुंदर थे महाराज, उन बालों में बट दूध लगा लिया, बट क्षीर लगाया। जो सुंदर सुंदर केश पास थे, देखते ही लट के रूप में परिणित हो गए, सब चपक गए आपस में। जैसे हमारे महात्मा लोग देखते हैं अवध में, एक हमारे मित्र महात्मा थे, साथ पढ़े, वो अवध में एक तपसी जी की छावनी है, अब पता नहीं शरीर शायद रहा कि नहीं, सर्वेश्वर दास भक्तमाली जी अभी हैं कि गए, शरीर पूरा हो गया ना, हमारे मित्र हैं वो। और महाराज ऐसे ढंग से हम लोग रहते थे वृंदावन में, हमको बहुत उन्होंने भक्तमाल सुनाई है उस महापुरुष ने। और महाराज चले गए, उनके गुरु जी का शरीर नहीं रहा, तो परंपरा उनकी त्यागियों की परंपरा, तो पहले तो हमारे जैसे बाल नहीं रखते थे वो, और वहां गए तो लटे हो गई। हमारी अवध में कथा थी तो मैं पूज्य चरण संत के दर्शन करने के लिए गया, गेट के बगल में कमरा था, वहां खिड़की में बैठे थे कोई संत, बड़ी बड़ी जटाएं लटकी हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज यहां सर्वेश्वर दास भक्तमाली जी रहते हैं क्या, तपसी जी की छावनी यही है? तो पहचान गए तुरंत मेरे को आवाज से, बोले हां सर्वा यही है, वो ऐसे बोलते थे प्रेम से। और बोले कहां से भटक कर आ गया? तो हमने कहा आप तो इस रूप में आ गए, महाराज इतने मस्त रहते थे हम लोगों के साथ, तो बोते हमारे गुरु जी की परंपरा है, गुरु जी लट रखते थे तो हमको भी रखना है, तो गद्दी के कारण उनको रखना पड़ा, फिर डायबिटीज हो गई भी, तो बता रहे हमको सूचना मिली थी अभी कुछ दिन पहले कि उनका शरीर नहीं रहा, किंतु अब तुम्हारा जीव वहीं के हैं तो प्रमाणिक हो गया। तो मैं निवेदन कर रहा था ऐसे भगवान ने महाराज जो लट बनाई, देख करके मंत्री को बहुत पीड़ा हुई कि ये सुंदर केस पास, और तुरंत आकर के कहा कि प्रभु आपके चरणों में हमारी प्रार्थनाएं हैं, हमको आज्ञा दी गई है कि आपको वन घुमा करके ले आओ, और आप ये क्या कर रहे हैं, आप चलो ना। श्री राघव ने सत्य की दुहाई देते हुए कहा कि ये नहीं हो सकता, हम वापस नहीं जा सकते। जानकी के लिए कहा तो जानकी ने, जानकी को जब महाराज कहा कि पिताजी ने कहा है कि अगर वो ना सके तो सियाजू को साथ ले आना, राघव ने कहा कि तुम चली जाओ ना वहां माता पिता की सेवा करना। सुनपति बचन कहत वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। जो सियाज की पिया ने जब कहा कि तुम चली जाओ, तो हमारा तुरंत इन्होंने हाथ जोड़कर कहा प्रभु करुणामय परम विवेकी, आप तो करुणामय हैं और परम विवेक वाले हैं, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। तनु तज रहत छाह की में छेकी, आप कृपा करके विचार कीजिए कि जहां तन होता है वहीं छाया होती है। कोई तन को कहे कि तुम चली जाओ और छाया संभाल कर रखना चाहे तो कोई रख सकेगा? नहीं रख सकेगा। प्रभा जाई कहां भानु बिहाई, सूर्य को छोड़कर सूर्य की किरणें कहां जा सकती हैं? सूर्य के साथ ही सूर्य की किरणें रहती हैं, कहां चंद्रिका चंद्र तजु जाई। अरे चंद्रिका महाराज जो चांद का प्रकाश है, चांदनी, वह चांद के साथ ही रहती है। तो आप चांद हो और मैं चांदनी हूं, आप सूर्य और मैं प्रभाव हूं, जैसे सूर्य के अतिरिक्त प्रभाव की कहीं अस्तित्व नहीं है, वैसे आपके अतिरिक्त हमारा कहीं अस्तित्व नहीं है। महाराज जब ये कहा तो राघव ने तुरंत उनको संभाला और कहत सचिव सन गिरा सुहाई, उनको कहा कि पिताजी को कह देना कि उन्होंने मना कर दिया। ये कह करके लखनलाल जी महाराज ने कुछ कटु वचन कह दिए, यहां तो वर्णन नहीं क्या कटु वचन कहे, वाल्मीकि रामायण वर्णन है। और जब पिता के लिए कटु वचन कहे, ये सुन करके राघव ने
मंत्री को कहा कि हमारी प्रार्थना ये पिता को कहना मत, ये उनको बताना मत। और ये नारायण निवेदन किया है। अब सुमंत वहां से जब जाने लगे तो घोड़े चलना नहीं चाहते थे और उधर ही मुड़ मुड़ करके देखते थे कैसे जाना चाहें। अब जब महाराज जाना ना चाहें, बहुत प्रयास किया है, फिर महाराज स्वयं निषाद जी ने सहयोग करके भेजा है। अब रत हाकत गए है राम तन हेरी हेरी ही हेरा है। जब वो रथ हाँकते थे तो राम की ओर देख करके हिनिना रहे थे। देख निषाद विषाद वस, मारा धुन ही शीश पछिताए। निषाद को भी विषाद हो गया यह दृश्य देख करके। जासु वियोग विकल पशु कैसे। हमारे पूज्य संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिनके वियोग में पशु ऐसे दुखी हैं, प्रजा मातु पिति जी हैं कैसे। अरे उनके वियोग में अवध की प्रजा और माता पिता जिएंगे कैसे। बरवस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तबाए। भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार ने प्रेम सहित आग्रह सहित उनको नारायण भेजा है, पठाया है उनको। उनकी यात्रा उधर होने दीजिए। 5 मिनट आप भजन का आनंद ले लीजिए। उसके बाद बहुत रसीला प्रसंग आने वाला है जिसका नाम है केवट प्रसंग। श्री राघवेंद्र सरकार कैसे केवट के यहां पहुंचे हैं और केवट पर श्री राघव ने कैसा अनुग्रह किया है उसकी चर्चा सुनने को मिलेगी। अब हम सब मिलकर के प्रथम भजन का रस ले लें। वैसे तो हमको वकील साहब ने कहा था कि 1 घंटा में 1 भजन करा दिया करो, किंतु क्या करें, अपने राम भी रस लेने लगते हैं तो भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, कल 1 घंटे में हो जाएगा और लास्ट में भी होगा आपके मतानुसार। अभी हमारे श्री राधिका चंद जी एक भजन सुनाएंगे, उसके बाद शेष चर्चा। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों। चरणामृत स्वाद चखा करके विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों। बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों। मन में जब मोह नहीं रखते मनमोहन नाम धराया है क्यों। मनमोहन नाम धराया है क्यों। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मैं दर्द भरे दिल से कब तक तुझे याद करूं। Oh, oh, oh.
में दर्द भरे दिल से, कब तक तुझे याद करूं हो मैं दर्द भरे दिल से, कब तक तुझे याद करूं हो मैं दर्द भरे दिल से, कब तक तुझे याद करूं हाँ मैं दर्द भरे दिल से, कब तक तुझे याद करूं मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम दर्द भरे दिल से, कब तक तुझे याद करूं हाँ मैं दर्द भरे दिल से, मेरा जीवन ढलता सूरज फिर है घोर अंधेरा, साथ किसी के कोई न जाता ये जग रहना बसेरा, साथ किसी के कोई न जाता ये जग रहना बसेरा, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम दर्द भरे दिल से, कब तक तुझे याद करूं हाँ दर्द भरे दिल से, कब तक तुझे याद करूं
मन में समझाते दुनिया मुझसे मेरा पल पल जाते साधु किसी के कोई न जाता अंत समय पछताते साथ किसी के कोई न जाता अंत समय पछताते मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मैं सर भरे कब तक तुझे याद करूं पर तुम भरे दिल से तक तुझे याद करूं हरिदास की स्वामी मेरी रैया पार लगा ओ हरिदास की स्वामी मधुर मिलन को तरस रहा मन आओ अंतर्यामी मधुर मिलन को तरस रहा अंतर्यामी मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम सर से भरे अब तक तुझे याद करूं सर से भरे अब तक तुझे याद करूं मैं दर्द भरे दिल से अब तक तुझे याद करूं मैं दर्द भरे दिल से अब तक तुझे याद करूं श्री राधा प्यारे श्री राधा प्यारे श्री राधा प्यारे श्री राधा कृष्ण रचिले प्यारो श्री कृष्णा
रसीला प्यारा श्री कृष्णा छबीला प्यारा श्री कृष्णा कृष्णा छबीला प्यारा श्री कृष्णा राधा रंगीली प्यारे श्री राधा रंगीली प्यारे रंगीली प्यारे श्री राधा रंगीली प्यारे श्री राधा दूर ही प्राण तो प्यारी लगे ब्रज मंडल माही बसाए रहो रसिकों के सुसंग में मस्त रहो जग जाल सोहे बचाए रहो छाक सुनात छपाए रहो अहुआ के बिहारी यही बिनती मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो छबीला प्यारो श्री कृष्णा कृष्णा छबीला प्यारो श्री कृष्णा कृष्णा छबीला प्यारो श्री कृष्णा कृष्णा छबीला प्यारो श्री कृष्णा रंगीली प्यारी श्री राधा रंगीली प्यारी श्री राधा राधा रंगीली प्यारी श्री राधा राधा रंगीली प्यारी श्री राधा नहीं चित्त लखा न चरित्र सुना वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या है मन में न बसा मन मोहन को वह खान किसी पर जाने ही क्या जिस बंदर ने वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वह प्रेमी किया हमको जाने ही क्या मैंने प्रेमी किया हमको जाने कृष्णा छबीला प्यारो श्री कृष्णा 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 राधा
प्यारी प्यारी श्री राधा राधा रंगीली प्यारी श्री राधा राधा रंगीली प्यारी श्री राधा राधा रंगीली प्यारी श्री राधा बिहारी दूसरे मेरे मिलन की जो बातें करवा दो रोम रोम में गिरा नाम रस उन्मत्त नाच नचा दो किशोरी बस दो बातें करवा दो हमारे दर्शन को एक बार चूक कहा हृदय में लीनी भार ओ लहती अब दर्शन को एक बार कृष्ण छोटी प्यारो श्री कृष्ण कृष्ण छोटी प्यारो श्री कृष्ण कृष्ण छोटी प्यारो श्री कृष्ण कृष्ण
सभी को प्यारो श्री कृष्ण राधा चरी श्री राधा राधा चरी श्री राधा चरी श्री राधा राधा चरी श्री राधा बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। निषाद राज के यहां जब श्री हमारे राघव और रात्रि में विश्राम कर रहे थे, परिताह सैनिक जो लगे हुए थे सेवा में, सेवक गण, उसमें एक सेवक केवट भी था। और रात्रि में निषाद और श्री लखनलाल जी की वार्ता जब उसने सुनी तो चित्त में जन्म जन्म की प्रीति जाग गई। और प्रातःकाल निषाद राज के श्री चरणारविंदों में जाकर वंदन करके कहता है, मैं आपका गुलाम हूं और आपका गुलाम रहूंगा। आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। निषाद ने कहा, क्या मांगना चाहते हो बोलो। मेरे दिल की ख्वाहिश है, आज जिस घाट से श्री राघवेंद्र सरकार निकलने वाले हैं, गुजरने वाले हैं, उस घाट में मेरी नाव के अतिरिक्त किसी दूसरे की नाव नहीं होनी चाहिए। और दूसरी प्रार्थना यह भी है, आज अपने इष्ट से हमें कुछ बातें करनी है, अपने कुछ दिल की कहनी है और कुछ दिल की उनकी सुननी भी है, इसलिए आप हम दोनों के बीच में नहीं आएंगे। निषाद ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा राघव, वही करेंगे जो उनके मानस में होगा। और हमारे श्री राघवेंद्र सरकार सुमंत्र को भेज करके सुरसर तीर आप तब आए। हमारे श्री राघव सियाजू को लेकर के, श्री लखनलाल जी को लेकर के गंगा के तट पर आए। नाविक नाव में बैठा है। बाबा हमारे कहते हैं, राघव ने नाव मांगी, मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना। वो बार बार बुला रहे हैं कि भैया नाव लेकर के आओ, वो मना कर देता है। भैया देव नाव तो उतर जाऊं पार। हमारे राघव ने केवट को कहा, भैया देव नाव तो उतर जाऊं मैं पार। केवट ने कहा, सरकार जन जाओ आज, रुक जाओ यही छाया में, आप यहीं रुक जाइए। सरकार जन जाओ रुक जाओ, अब यहीं पे आप यहीं पर रुक जाओ। भगवान ने कहा कि देखो सूर्य का ताप बढ़ जाएगा और ताप में चलने में मग में कष्ट होगा। रवि ताप बढ़ जाई है कठिन, कर देई है मग। जब सूर्य का ताप बढ़ जाएगा तो रास्ता कठिन हो जाएगा। तो केवट ने कहा कि सरकार करहु व्यतीत आज छप्पर की छाही पे। जाना बहुत जरूरी है क्या? आज का समय यही, हमारे छप्पर की छाही पर अपना समय व्यतीत कर दीजिए। बिहस बिहस बार बार मांगे नाव, भगवान हट हट हंस करके बार बार कहते, भैया नाव ले आओ ना।
केवट न आवे ठाढ़ो बांस धर बाही में। पतवारी जो महाराज बांस अपनी बाह में रख करके खड़ा है बड़ी मस्ती में, हमारे एक संत चरण कहते हैं, कोटि कोटि ब्रह्म सुख होत बलिहार, रघुनंदन के मांगवे पे केवट की नाही पे। रघुनंदन के मांगने पर और केवट की ना करने में नाही पर ब्रह्म सुख बलिहार हो रहा है। एक संत चरण हमारे कहते हैं, इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के साहन साह की, इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के साहन साह की, उस तरफ साफ इनकार है एक मस्त लाह परवाह की। इधर साहन साह मांग रहे हैं, उधर लाह परवाह मना कर रहा है। प्रेम के झगड़े में चलती हैं ये कोशिशें चाह की, दीन वत्सल की दया हो जिद रहे मल्लाह की। देखिए किसकी विजय हो और किसकी हार हो, दोनों मल्लाहों में किसकी पहले किस्ती पार हो। ये दोनों मल्लाह हैं, केवट भी मल्लाह ही है और हमारे श्री राघव भी मल्लाह हैं। केवट नदी पार करने का केवट है और हमारे सरकार संसार पार करने, भवसागर पार करने की केवट है। हमारे संत चरण कहते हैं, देखना है कि पहले किसकी किस्ती पार होती है, पहले श्री सरकार की किस्ती पार होती है कि केवट की किस्ती पार होती है, देखना है किसकी महाराज किस्ती पार होती है। बार बार कहने पर उसने कहा कि महाराज एक बात कहूं, मैं आपका मर्म जानता हूं इसलिए मैं लेकर के नहीं आऊंगा। मर्म जानता हूं महाराज, ये केवट व्यक्ति जिसके श्रुति नेति नेति कहकर मौन हो जाती हैं, वो भगवान का पार नहीं पार पाती, भगवान का मर्म नहीं जान पाती, केवट क्या मर्म जानता है। बोले ध्यान द्वारा सम्मुने बिचारा जिन्हें बार बार, ध्यान के द्वारा सम्मुने बिचारा जिन्हें बार बार, पाकर न मार्ग पाकर के मन में बोले ना क्लिष्ट मानता हूं मैं। वह भले मर्म पा गए हों किंतु तब भी कहते हैं मैं कि मर्म पाना बहुत कठिन है। जिनके लिए विरंच ने भी पुकारा यूं ही, पाता हूं न मर्म सर्व सृष्टि छानता हूं मैं। विधाता ने कहा सारी सृष्टि को छान करके भी परमात्मा का मैं मर्म नहीं पा पाता। सारे वेद शास्त्र को प्रमाण कारण जिन्हें, नेति नेति मर्म आपका बखानता हूं मैं। महाराज सारे वेद नेति नेति कहकर के मौन हो जाते हैं, वो भी उनका मर्म नहीं जान पाते। प्यारा भक्त बिचारा कहता है उन्हें, हे प्रभु तुम्हारा सारा मर्म जानता हूं मैं। भगवान का एक प्यारा प्यारा भक्त कहता है मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। महाराज जी क्या मर्म जानता है, बड़ा सुंदर भाव किसी कवि ने लिखा है, मुझे भाव बड़े प्यारे लगते हैं। उसने कहा सरकार मर्म ये जानता हूं, तुलसीदास जी महाराज ने भी इस मर्म की बात की है, छुवत शिला भई नारी सुहाई, आपके चरण रज का स्पर्श पाते हुए एक पत्थर की नारी बन गई, ये मर्म मुझे पता है। ये प्रार्थना करता है सरकार, पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे। बोले हमारा जो घर द्वार है, हमारा झोपड़ी है घर में, अभी छोटे छोटे पुत्र है, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हूं। महाराज जाति का केवट हूं, उन छोटे छोटे बच्चों को कोई मैं वेद नहीं पढ़ाने वाला हूं। सब परिवार मेरी याही लागी राजा जू, हमारा संपूर्ण परिवार इस नौका से ही पलता है, हों दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हूं। हम तो दीन भी हैं और हमारे पास धन भी नहीं, मैं दूसरी नाव भी नहीं बनवा सकता। मैंने सुना है कि गौतम की धरनी जो तरनी तरेगी मेरी, जैसे गौतम की नारी महाराज बन गई सुंदर सुंदरी बनकर के चली गई पाषाण शिला, वैसे यदि हमारी तरनी तर जाएगी, प्रभु सो विचार हो बाद ना बढ़ाई हो, आप ही महाराज विचार कीजिए, मैं वाद विवाद करने वाला आपसे नहीं हूं। तुलसी के ईस रामे रावरे सो साचो कहो, हे प्रभु आप के चरणों में हमारी प्रार्थना है, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाइए।
इसलिए जब तक आप चरण धोने की आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं चढ़ाने वाला नहीं हूं। बार बार महाराज प्रार्थना करता है, यही प्रतिपालों सब परिवारों नहीं जानो कछु और खबारो, दूसरा कुछ मैं जानता नहीं हूं। जब तक आप नहीं कहते पखारो तब तक मैं आपको पार नहीं ले जा सकता हूं। बार बार कहने पर हमारे श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, अच्छा एक काम करो कि तुम लेकर के आओ जल और हमारे पैर धो लो। महाराज जो सुना, वैसे तो श्री केवट के बारे में हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुन केवट की बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन। हमारे श्री करुणा सागर श्री राघव मुस्करा गए और चितई जानकी लखन तन, दोनों की ओर निहार करके भगवान ने कहा, मुस्करा करके उसको इशारा किया कि लेकर के जल पात्र आओ और हमारे चरण धो लो। कहा सरकार रुको रुको रुको, हमारे पूज्य संत चरण सुनाते हैं कि दौड़ करके अपनी बस्ती में गया जहां केवट की जाति बिरादरी के लोग रहते थे, सबको बुला करके कहता है चलो 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 हमारे भाग्य जागे हैं, आज साक्षात जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर हमारे घाट पर पधारे। और जाकर के अपनी धर्म पत्नी से कहने लगा कि जल्दी करो कुछ पात्र दो, और पात्र दो जिससे हम उनके चरण पखार सकें। तो महाराज उसकी पत्नी ने पात्र, वैसे उसके पास में और भी थे किंतु वो पात्र निकाल करके नहीं दिया, लकड़ी का पात्र निकाल कर दिया, पानी कठौता कठौता दिया। हमारे संत चरण कहते हैं कठौता क्यों लिया, कारण नारायण ये बड़ा कुशल व्यक्ति था, वो बड़ा महाराज जानकार व्यक्ति था, उसने सोचा कोई धातु का पात्र होगा और उसमें चरण हम धो लेंगे, बाद में चरणोदक निकल जाएगा, सब लोग प्रसाद ले जाएंगे, कठौता खाली हो जाएगा, किंतु यदि हम लकड़ी के पात्र पर उनके चरण धोएंगे तो निश्चित बात है ये कि भगवान का चरणोदक व पात्र सोख लेगा, जब भी उसमें पानी रखा जाएगा वो हरदम प्रसाद बन जाएगा, जब भी उसमें आटा तैयार किया जाएगा लगाया जाएगा तो वो भी प्रसाद बन जाएगा। हमारे श्रीधाम ब्रज में संत थे, बड़े सिद्ध संत हो गए और उनकी समाधि है अभी परिक्रमा मार्ग में, पूज्य संत प्रवर्षी गया प्रसाद जी महाराज, भागवत के बहुत अच्छे वक्ता थे, और जाकर के अपने गुरुदेव से कहा कि मुझे संन्यास दे दो। हमारे आराध्य के गुरुदेव से कहा पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से, तो उन्होंने कहा कि ऐसे संन्यास नहीं लिया जाता, पहले जाकर श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगा के आओ। वहां कुछ नियम बता दिए कि 108 परिक्रमा लगाना पहले। हम लोगों के यहां महाराज ये नियम ये किए नहीं कि जैसे कोई आया चेला तुरंत मूल लिया, कि पता नहीं लौट कर आए ना आए तो पहले चेला बना लो। गुरुजन पहले महाराज उसकी परीक्षा लेते थे कि ये वैराग्य योग्य है कि नहीं, तो उनको कहा कि तुम 108 परिक्रमा लगाओ श्री गिरिराज जी महाराज की। तो जब जाने लगे तो बाबा का चरणोदक लेकर के गए अपने कमंडलू में, और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा बाबा के जाने के बाद शायद भर 50 वर्ष और जिए पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, और परिक्रमा लगाते समय श्री ठाकुर जी मिल गए। अब ठाकुर जी मिल गए तो जिनके लिए संन्यास लेना था वही मिल गए, तो अब संन्यास की क्या जरूरत है, कोई कपड़े से ही लाल वस्त्र से संन्यास होता नहीं, वैसे ही ठाकुर जी के मिलने के बाद जगत से अपने आप संन्यास हो जाता है। फिर तो महाराज वो छोड़ करके गए नहीं गिरिराज जी, बाबा स्वयं मिलने के लिए गए उनको, उनके गुरुदेव दर्शन करने के लिए गए। मुझे स्मरण लगभग 50 वर्ष के बाद मैं गया उनके पास, तो बाबा ने हमको चरणोदक दिया, पूज्य पंडित जी महाराज ने गया प्रसाद जी महाराज ने, और कहा ये पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज का चरणोदक है। मुझे आश्चर्य हुआ कि 50 साल उनको चले गए हो गए, ये 50 साल से चरणोदक वही कैसे हो सकता है, पात्र साफ दिख रहा था। तो पूज्य पंडित जी महाराज ने बताया, इस पात्र को मैं कभी खाली नहीं होने देता हूं, आधा पात्र होता है तो फिर जल भर देता हूं, तो उनका ही चरणोदक सदा हम पीते हैं, दूसरा कोई पीते ही नहीं है।
इसलिए पानी कठौता भरी ले आवा। महाराज लकड़ी का पात्र लेकर के आवा आया और भगवान के नारायण चरण पखारने लगा। और जब चरण पखारने लगा, संतों ने बड़ा दिव्य दर्शन किया है। अब स्वाभाविक है कि गंगा का किनारा आप कभी दर्शन करना, वहां कोई कुर्सी थोड़ी पड़ी थी कि भगवान को कुर्सी में बैठाल दिया, कहीं बैठाल दिया। अब जरा विचार कीजिएगा कि भगवान के चरण धो रहा है, गंगा का तट है, कठौता सामने रखा है, और जब सामने रखा है तो भगवान दोनों चरण तो धुले नहीं जा सकते, एक चरण धोएगा, फिर उसको धुल जाने के बाद दूसरा धोएगा, एक साथ तो दोनों धुल नहीं सकते। तो जब एक चरण बहुत समय लगा दिया तो स्वाभाविक है कि शरीर डगमगाएगा। तो कहा कि जल्दी करो। बोले सरकार एक काम करो, जल्दी क्या करना है, एक एक सब रत हमको निकालना है, कोई धूल कहीं रह न जाए। आप अपना हाथ हमारे मस्तिष्क पर रख लीजिए, बैलेंस आपका बिगड़े नहीं। एक हाथ भगवान का केवट के मस्तिष्क पर है और केवट के दोनों हाथ लगे हुए हैं चरणों में। महाराज इस प्रकार से चरण धो करके पद नख निरख देव सर हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोहि मति करषि, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। महाराज लेकर के आया, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। महाराज जिस समय उनके चरण पखार रहा था, पखारने के बाद बोले रुको रुको रुको। कहा क्या बात है? अपने गांव वालों को कहा कि आप लोग भी पंक्ति में खड़े हो जाओ। राम जी से हाथ जोड़ करके बोला, सरकार आप गुरु जी के यहां पढ़ने गए थे? बोले हाँ। तो उन्होंने फिर वेद भी पढ़ाया होगा? कहा हाँ वेद भी पढ़ा हूं। तो वेद में कर्मकांड भी पढ़ा होगा? कहा सो भी पढ़ा हूं। तो बोले एक काम करो ना, अब मैं अपने पितरों का तर्पण कर रहा हूं और आप वेद मंत्र बोलो। लखनलाल जी से राम जी ने कहा चालू हो जाओ। महाराज ऐसा कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। लखनलाल जी वेद पाठ कर रहे हैं, राम जी कर रहे हैं, पितर पार करी, अपने पितरों का तर्पण किया। बोले रुको रुको सरकार, अभी काम पूरा नहीं हुआ, अब क्या करना है? तो जितने उसके जाति बिरादरी के थे सब लाइट में लग गए। अब यहां कोई चार वेद के पंडित जी पुजारी नहीं है, ये स्वयं भगवान का पुजारी है, कठौता में चरणोदक लिए हैं, सब लोग लाइन में खड़े हैं, सबको चरणोदक दे रहा है। श्री जानकी जी ने इशारा किया लखनलाल जी को, भैया आज स्पेशल अलग से मिलने वाला नहीं है, अगर चाहिए तो इसी लाइन में लग करके मिलना पड़ेगा, ये राम राज्य है नारायण। श्री जानकी जी, श्री लखनलाल जी, उन्हीं की जात बिरादरी के महाराज पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। आज वह भगवान का चरणोदक केवट दे रहा है। दोनों ने जलपान किया है, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, स्वयं पिया के अपने कुल परिवार वालों को करवाया, पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गये लही पार। और जब सबका उद्धार कर दिया, अब कहा सरकार लेकर चलेंगे। भगवान नारायण नाव पर बैठ गए और जब नाव उस तट पर बैठी, यह रामचरितमानस में नहीं अन्य जगह ये भाव है, जब उस तट पर नाव पहुंची, केवट विचार करने लगा कि मेरे से बहुत परेशान हो गए हैं, अब ये दोबारा तो हमारी नाव में बैठने वाले है नहीं और दोबारा इस घाट में आएंगे भी क्यों। इसलिए जब तक ये हमारी नाव में है तब तक हमारा सौभाग्य है, तो इनको थोड़ी देर और घुमाते हैं, इनको थोड़ी देर साथ रहने का हमको अवसर मिल जाएगा। उस तट पर पहुंचने के बाद केवट ने तुरंत नाव घुमा दी और जो नाव घुमाई ना, तो लखनलाल की आंखें घूमी कि अभी तक इतनी देर तक परेशान रखा है, फिर किनारे लाकर उतारा नहीं, फिर नाव घुमा दी, तिरछी चितवन से देखने लगी। तो राम जी ने कहा भैया कुछ भूल गया होगा उधर, इसलिए ले जा रहा है। अब की बात हमारा लंबा चक्कर काटा और कहा सरकार नदी का प्रवाह बढ़ गया, इसके नीचे बह रही है, जल कट नहीं रहा है। वो सोचता था जितना अधिक समय लग जाएगा उतना अधिक साथ मिलेगा, और
महाराज जो नाव उस तरफ लगी किंतु कुछ उसने नहीं उठाया ना कुछ किया, फिर नाव घुमा दी। और नाव घुमाकर जब इस तट पर आकर घुमाने लगा, लखनलाल जी खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा, बार बार तू क्यों घुमा रहा है? केवट ने हाथ जोड़ करके कहा कि सरकार एक चक्कर का पैसा लगता है और मैंने आपके बाप की कसम खाई है, दशरथ सपत साची को हूं, तुम्हारे पिता की कसम खाई है कि उतराई नहीं लूंगा, और फ्री में तुमको घुमा रहा हूं, उसके बाद शोर मचा रहे हो। लखनलाल जी ने कहा, बंद कर फ्री की बात, अपने पितरों का तो क्रियाकर्म मेरे से करवा लिया और कहता है कुछ उतराई नहीं चाहिए, तुम्हारे बाप की कसम खाता हूं, वो तो सरकार बैठे इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं, तो बाप की कसम खाने वाले को मैं छोड़ता नहीं। कठोर होकर के बोलने लगे तो राघव ने इशारा किया कुछ बात होगी, तो कहा क्या बात है? पूछा उससे क्या बात है, कहा सरकार एक बात पूछूं? कहा पूछो। बोले कि वो कैकेयी मैया ने आपको कितने साल का वनवास दिया है? बोले 14 साल का। तो कहीं स्थान निर्धारित किया कि इतने दिन इतने मिनट इतने घंटे वहां रहना है? बोले कोई स्थान निर्धारित नहीं है। तो बोले सरकार अगर एक दो दिन हमारे साथ रह जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा, काहे को शोर मचाते हो, हमारे साथ रुक जाओ ना। लखनलाल जी महाराज कुपित होने लगे, और जब लखनलाल जी कुपित हो, नाव तो चल रही थी, उसने कहा कि वर तीर मारो लखन उपय, चाहे भले तुम हमारे तीर मार दो किंतु मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। राम जी बोले, लखनलाल जी बैठ जाओ। कहा सरकार इसने हद कर दी है? बोले अभी तक तो पितरों का क्रियाकर्म करना पड़ा और मारोगे तो इसका और करना पड़ेगा, इसलिए मारने से इसमें फायदा नहीं, छोड़ दो इसको। केवट ने कहा लखनलाल जी को इशारा करके कि सरकार एक दो चक्कर कटवा दिए तो इतने परेशान हो गए, और आपकी वजह से मैं 84 लाख चक्कर काट रहा हूं और मैं परेशान नहीं हुआ, इस प्रतीक्षा में था कि कभी न कभी आप इस घाट में आओगे और हमको आपका सानिध्य मिलेगा, और आप एक दो चक्कर में परेशान हो गए। हमारे श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि भैया बात यह है, हम लोग राजकुमार है ना, तो राजकुमारों को अश्व पर चढ़ने का अभ्यास होता है, घोड़े पर चढ़ने का, हाथी पर चलने का अभ्यास होता है, ये नाव पर घूमने का अभ्यास नहीं है, और तुम जो चक्कर कटाते हो ना बार बार ऐसे ऐसे, उसमें हमको चक्कर आता है। हमारे राघव तो शील संपन्न है। केवट ने कहा सरकार आपको चक्कर आता है? बोले हां। तो कहा एक काम करो, आप दोनों हाथ से मेरे सर को पकड़ लो। राम जी ने कहा कमाल की बात है, चक्कर मेरे को आते और मैं तेरे को पकड़ूं? अरे जिसको चक्कर आते हैं उसको पकड़ा जाता है। केवट ने पतवार छोड़ करके चरण पकड़कर कहा सरकार माफ करना, ये जीव कब पकड़ेगा कब छोड़ देगा इसका कोई भरोसा नहीं है, किंतु एक बार आप पकड़ लोगे तो कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए आप पकड़िए। और सच में नारायण, अंपावरों का क्या भरोसा, कब पकड़ते हैं कब छोड़ देते हैं, इसलिए सच में एक बार ठाकुर जी पकड़ लें काम बन जाएगा। अद्भुत झांकी है नारायण, अद्भुत झांकी। भगवान उसके सर को पकड़े खड़े हैं, और धन्य है जिसके सर को पकड़कर हमारे राघव खड़े हो जाए, उसके भाग्य को नारायण कौन सा रहा सकता है। केवट ने नाव किनारे पर लगाई है, और उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, सीए राम गुह लखन समेता। जिस समय नाव उस तट पर रुकी, रेत पर हमारे श्री राघव जानकी लखन और गुह खड़े हुए हैं, अब नारायण केवट ने दंडवत किया। आप पूरे प्रसंग में देखिएगा, केवट ने कहीं दंडवत नहीं किया है, केवट उतरी दंडवत की ना। हमारे एक आचार्य चरण कहते थे कि जब भगवान मिले तब दंडवत करनी चाहिए। केवट से किसी ने पूछा कि जब से मिले थे तब तक तुमने दंडवत किया नहीं, तो अब क्यों दंडवत किया? हमको तो लगता है नारायण सच कहें, केवट को ही दंडवत करने का अर्थ पता था, हम लोगों को पता नहीं है।
आप कहोगे क्यों? जब हम ठाकुर के चरणों में दंडवत करते दंडे के समान गिर जाना, और जब दंडा स्वामी के सामने गिर जाता है तो स्वामी फिर जैसे रखना चाहे वैसे रखे, फिर अपनी नहीं चलती है, वो स्वामी की चलती है। स्वामी चाहे हाथ में रखे, चाहे कहीं रख दे, चाहे किसी को दे दे, ये पूर्ण समर्पण का प्रतीक है दंडवत प्रणाम। केवट ने कहा कि पहले मुझे मन अपने मन की करानी थी, अगर मैं पहले से दंडवत कर लेता तो फिर मैं जिद नहीं कर पाता। डंडा कोई जिद करता है कि हमें ऐसे रखो ऐसे करो? हमको पहले अपने मन की करानी थी और हमारे मन की अब हो गई, अब इनके मन की करनी है, इसलिए अब हम प्रणाम करते हैं, जैसे रखना चाहेंगे वैसे रखेंगे। जो चरणों पर मारा साष्टांग गिरा है, प्रभु ही सकोच यही नहीं कछु दीना। महाराज प्रभु को संकोच हुआ कि इसको मैंने कुछ दिया नहीं है। इसने महाराज जी नियम है, ध्यान रखिएगा, नाई के बाल बनवाई, केवट की उतराई, धोबी की धुलाई, ये सब प्रजा का धन कभी रखना नहीं चाहिए, देना चाहिए उनको। नाई को भी ये नहीं कि बिगाड़ टाल दिया तुम्हारी आकर के, जो उनको देना चाहिए, प्रजा है अपनी। भगवान ने विचार किया कि इसको कुछ दिया नहीं और समीप कुछ था नहीं, क्या देते, किंतु धन्य है हमारी सियाजू, पिए ही की ऐसी जान निहारी। पिया की हिया की जानने वाली सिया ने, और सच में होना भी यही चाहिए। हमारे गुरुदेव तो एक बात कहते थे कि पहले नंबर का सेवक वो है कि हृदय में बात उठे और सामने वाले को पता चल जाए कि गुरुजी ये चाहते हैं, और द्वितीय नंबर का सेवक वह है जो कहने पर करे, और तृतीय नंबर का सेवक वह है कि कहे तो हां गुरुजी करते हैं, हां गुरुजी करते हैं, कब करेगा कुछ पता नहीं है। तो प्रेम की जो विशेषता है, प्रेम तो महाराज हृदयगत भावों को भी जान प्रेमी जान जाता है। अब देखिए, सिया को पता चल गया कि हमारे पिया को क्या चाहिए, राघव ने कहा नहीं, और हमको तो एक दिन कई बार लगता है कि अगर आज की आधुनिक कोई देवी होती तो पहले बात तो समझती समझेगी भी नहीं, और पति भी कहे तो कह देंगे तुम्हारे बाप की संपत्ति हो तो दो, हमारे बाप की घर के जेवर है ये, हमको वहां से मिली थी, तुम्हारे घर की नहीं है। क्यों वकील साहब, ऐसे ही है ना, आप मोहर लगाते रहना हमारे साथ, क्योंकि हमको तो गृहस्थी का पता नहीं है ज्यादा, हम तो सुनी सुनाई बात बता देते हैं, क्योंकि अपने राम तो 11 वर्ष के बाद घर में नहीं रहे, तो गृहस्थी का अपने को कुछ पता नहीं। आध्यात्म की जो बात हम बताएंगे, दुनिया का कोई माई का लाल काट नहीं सकेगा, उस पर पूरा भरोसा है, किंतु व्यवहार की बात यदि कुछ कहें तो हो सकता है गलत भी हो जाए, क्योंकि हम व्यवहार जिए नहीं है, हमको पता भी नहीं है ज्यादा उतना, आप लोगों से ही सुन लेते हैं तो बता देते हैं। सच में प्रेम तो नारायण यही है कि हृदय में भाव उठे और प्रीतम को पता चल जाए। सियाजू ने मारा तुरंत मणि मुदरी मन मुदित उतारी, बड़ा सुंदर प्रयोग है, मुद्रिका प्रसन्न होकर के उतारा, ये नहीं कि महाराज अप्रसन्न होकर के उतारा हो, ये प्रसन्न होकर के महाराज उतारा है, और तुरंत महाराज कहो कृपाल ले उतराई। जब महाराज श्री राघव के हाथ में मुद्रिका गई, और मुद्रिका जाने के बाद जो केवट को कहा कि उतराई लो, ये जो तुमने हमको पार किया है उसका ये पारिश्रमिक है, महाराज जो कहा तो केवट चरण गहे अकुलाई, विह्वल होकर के केवट ने चरण पकड़ लिए और पकड़ करके कहा कि नाथ एक बात कहूं, आज मिलना क्या शेष रह गया, ये तो जन्म जन्म का महाराज खेल है, बचपन से ये मजदूरी करता चला रहा हूं,
ये नाव आज तक आज से चलाना नहीं प्रारंभ किया, बहुत काल में कीन मजूरी, ये मजदूरी बहुत समय से करता चला रहा हूं, आज दीन विधि बनी भली बुरी। आज विधाता ने हमको दिया है, आज तक तो हमको मिला ही नहीं था कुछ, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, ए नाथ अब हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है चित्त में कि आप कुछ दीजिए, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ये निष्कामता कब से आ गई, तुमको कुछ नहीं चाहिए, बोले आपके अनुग्रह से आई है। और सच में जब ठाकुर जी की कृपा होती है तभी अंतकरण में निष्कामता आती है। मुझे श्लोक बहुत प्यारा लगता है, मैं बहुत बार जीता हूं उसको, सुंदरकांड का है, संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राघवेंद्र सरकार से कहते हैं, नान्यस प्रहार रघुपते हृदय स्मदीये, हे रघुपति हमारे हृदय में किसी प्रकार की स्प्रिया नहीं है, किसी प्रकार की चाहत नहीं है। मानो ठाकुर जी ने पूछ दिया, इसका कोई गवाह है कि तुम्हारे चित्त में स्प्रिया नहीं, इसकी क्या पहचान है? बोले इसके गवाह आप ही हो, और गवाह कहां से लाऊं? क्यों मैं गवाह कैसे हूं? बाबा हमारे कहते सत्यम बदामी च, मैं सत्य बोल रहा हूं, इसके गवाह आप हैं, मैं कैसे हूं बताओ तो सही। कहा कि आप हमारे हृदय अंतकरण में बैठे हो, सत्यम बदामी च भवान अखिलांतरात्मा, आप सबकी अंतरात्मा हैं, और यदि प्रभु सबकी अंतरात्मा है तो इस तुलसी की भी अंतरात्मा है, और यदि तुलसीदास जी महाराज की अंतरात्मा है तो हमारे अंतकरण में कोई कामना है कि नहीं? आपसे ज्यादा गवाह कौन होगा, आपसे ज्यादा जानकार कौन होगा? हमें कुछ नहीं चाहिए। आज केवट ने भी महाराज यही कह दिया, अब कछु नात न चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मुझे तो सच लगता है कि भगवान की ओर बढ़े तो सबसे बड़ी सफलता यही है कि हमारे जीवन की याचना चली जाए। और मैं निवेदन करूं, अगर मांगने का भी मन हो तो भगवान के अतिरिक्त किसी से नहीं मांगना चाहिए। बाबा हमारे कहते ठाकुर जी का ये वाक्य है, मोर दास कहाए नरु आशा, भगवान का दास होकर दूसरे से आशा रखे। ऐसी निष्कामता को नारायण धिक्कार है। आप कहोगे कैसी निष्कामता को धिक्कार है, कोई बेटा अपने बाप से तो खर्चा न ले और स्टेशन पर कहीं दुगे खड़े होकर भीख मांगने लगे तो वह निष्कामता निष्कामता है? पिताजी को पता चलेगा कि भीख मांगता है मेरा बच्चा तो खुशी होगी उसको? अरे मांगना है तो भगवान से मांग लो जी, दुनिया से मांगने की जरूरत नहीं है। कामना है तो आपसे पूरी करेंगे, किंतु उसने कह दिया कि दीन दयाल अनुग्रह तोरे, ये आपके अनुग्रह से हुआ है। बाद में बड़ा समझदार है, सोचा कि इनको बांध देते हैं। कैसे बांध देते हैं? अब हमने इनको मुक्त कर दिया तो ये दोबारा तो आने वाले नहीं है, तो लौट करके भी यहीं से आए, इसके लिए बांध दिया। क्या बांध दिया? बोले फिरती बार मोही जो देवा, आप लौटते समय जो दोगे सो प्रसाद में सिर धर लेवा, वो प्रसाद आपका अपने मस्तिष्क पर सर पे रख कर ले लूंगा। अभिप्राय यह है सरकार, लौट करके इसी रास्ते से आइएगा। इस दास को सौभाग्य मिले। प्रभु कीन महाराज भगवान ने बहुत प्रयास, लखन सी नहीं कछु केवट ले, लखन लाल जी ने भी प्रयास किया,
हमारे शियाजू ने भी मैया ने भी प्रयास किया। और बंधुओं ध्यान रखना, बहुत बढ़िया बात इस दोहे में समझने लायक है, विदा की न करुणा यतन भगति विमल बरुदे। जब तक हमारे चित्त में कामना होती है ना, तो हमारे सरकार कामना पूरी करते हैं पहले, और जैसे जैसे कामना समाप्त होती चली जाती है तो भगवान फिर विमल भक्ति का वरदान देते हैं। भक्ति विमल भक्ति, अगर हमारे चित्त में कामना होगी तो तब तक अंतःकरण की पवित्रता नहीं होगी। धन मिल जाएगा, भागवत के एकादश स्कंद पर इस पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला है नव योगेश्वर संवाद में, कि जब कामना समाप्त हो जाती है तब भगवान की विमल भक्ति की प्राप्ति होती है। जब तक कामना है तब तक कामना की पूर्ति होती है। तृतीय स्कंद में भी भागवत में संदेश दिया गया, भगवान कपिल ने अपनी मां को जहां भक्ति का संदेश दिया है, बाद में भगवान ने कहा कि जब व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र हो जाता है, वो कैसे पवित्र होता है, जब कामना की शून्यता होती है। कामना शून्य अंतःकरण में ही विमल भक्ति का वर मिलता है, भगवान उसको विमल भक्ति का वर दे करके और वहां से महाराज निकल पड़े हैं। जिस समय भगवान वहां से निकले, साथ में सियाजू के उनके पति भी हैं, देवर भी हैं, जहां से नारायण जिस रास्ते से निकल कर जा रहे हैं, सब लोग अपने भाग्य को सराह रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और वहां से चल करके महाराज तिही दिन भयो बिटप तर वासु लखन सखा सब कीन सुपासु। निषाद ने अभी, निषाद साथ हैं, निषाद राज ने रहने की व्यवस्था फिर की, वहां निवास किया और प्रात काल क्रिया करके फिर हमारे श्री राघव तीर्थ राज देख प्रभु जाई श्री प्रयागराज में पहुंचे। महाराज यहां प्रयागराज की बड़ी महिमा गाई गई है, चार पदार्थ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश अति चारु। ये प्रयागराज है, राजा का जैसे सिंहासन होता है छत्र आदि सबका महाराज तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है। भगवान वहां रह करके नारायण स्नान आदि की दान दिए और उसके बाद हमारे श्री भरद्वाज जी महाराज के पास पहुंचे हैं। और भरद्वाज जी महाराज के पास जब पहुंचे तो कुशल प्रश्न करी आसन दीने पूज प्रेम परिपूर्ण कीने। कुशल क्षेम पूछ करके उन्होंने आसन दिया और आसन दे करके महाराज अपने भाग्य को सराहा कि अब करी कृपा देहु बर येहू निज पद सरसिज सहज स्नेहु। आपके चरणों में हमारा सहज स्नेह बना रहे। और जब महाराज प्रयागवासियों को पता चला कि भगवान आए हैं, यह सुदीपाई प्रयाग निवासी बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, ब्रह्मचारी गृहस्थ तपस्वी सन्यासी उदासी सब आए, महाराज सब दर्शनार्थ आए हैं और श्री ठाकुर जी के दर्शन करके अपने भाग्य को सराह रहे हैं कि हमारे पुण्यों का फल श्री राघव का दर्शन हो गया है। राम भी सभी संतों का सम्मान कर रहे हैं। बाद में उन्होंने महाराज पूछा कि महाराज आप हमको रास्ता बता दीजिए, मैं किस रास्ते जाऊं। बहुत बढ़िया जानकारी रखने लायक बात है, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण करना हो तो जो तीनों कांड का जानकार हो उससे पूछना चाहिए। केवल कर्मकांड के जानकार से यदि आप पूछोगे ना तो आपकी योग्यता नहीं देखेगा, वो आपको कर्मकांड की ही शिक्षा देगा कि यज्ञ करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कर्मकांड में ही लगा देगा। और यदि कोई ज्ञान कांड का अधिकारी होगा, वेदांत का चिंतन करता होगा, तो आपकी योग्यता है कि नहीं वेदांत चिंतन करने की, आप सठ साधन संपन्न हैं कि नहीं, ये देखे बगैर आपको ब्रह्म विद्या का उपदेश देने लगा। जैसे कलयुग में बड़ा आजकल खेल हो रहा है,
कुछ दिन के बाद बाबा ने तो ब्रह्म विद्या को छोड़कर दूसरी बातें नहीं करेंगे, और ऐसे ऐसे भावावेश में आकर के बोने लगते हैं कि ईश्वर भी काल्पनिक है। हम तो कई बार विचार करते हैं कमाल है, अब योग्यता है कि नहीं, किस स्तर पर बोला जा रहा है। तो एक निष्ठ है, मैं इसका महाराज भुक्त भोगी हूं इसलिए बता रहा हूं। मैं तो घर द्वार छोड़कर के जिस महापुरुष के चरणों में मैं रहा, परम विरक्त महापुरुष ऋषिकेश में आज भी हैं, 105 वर्ष की आयु है, किंतु वेदांत के परम निष्ठ। उन्होंने कभी हमको नहीं कहा कि तुम संध्या वंदन करो, कभी नहीं कहा कि भगवान नाम जपो, कभी कुछ साधन बताया ही नहीं। और मैं तो महाराज कई कई 10 साल उनके श्री चरणों में रहा, वो तो श्री गंगा मैया की कृपा हुई कि वृंदावन आ गया। और जब वृंदावन आया, अगर ये शरीर शायद वृंदावन नहीं आता तो खाली रह जाता, शुष्क रह जाता, सूखा रह जाता। वो तो उस भूमि को मैं वंदन करता हूं, उस भूमि ने रसीला बना दिया। और पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, जिनके चरणों में भागवत पढ़ने का अवसर मिला, उन्होंने तो हमारा जीवन ही भागवत पढ़ाते पढ़ाते ऐसी सी बातें सिखाई उन्होंने, सब छोड़ करके भजन में लग गए। उस समय मुझे लगा कि नहीं, ऐसे व्यक्ति के शरण में जाना चाहिए जो तीनों कांडों का जानकार हो, कर्मकांड का, उपासना कांड का, ज्ञान कांड का, और वह अधिकारी के आधार पर साधन बताएंगे कि तुम कैसे अधिकारी हो, कहां खड़े हो। अरे बाबा, जहां हम गिरे हैं वहीं हम उठ खड़े होंगे, हाथ लगा करके हम गिरे कहीं और कहीं जाकर खड़े होंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारी कहां पर अटकार, तो गुरुजन जान करके ही रास्ता बताएंगे। तो ये त्रिवेणी में बैठे हुए, प्रयागराज में बैठे हुए भरद्वाज, जहां कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, आपने सुना ही था, विधि निषेध में कलिमद हरिणी, कर्म कथा रविनंदन वरणी, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। ये महाराज जो सुरसरी धारा और राम की महाराज भक्ति है, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये पूज्य संत चरण समाज जो है ये प्रयागराज है, और इनमें तीनों धाराएं मिलती हैं। तो वहां पर जब पूछा तो मुनि बटु चार संग तब दीने, आपको निवेदन करें, एक एक नहीं दिए बटुक, चार दिए। ये चार बटुक क्या हैं? ये चार वेद ही हैं, यही रास्ता बता सकते हैं कि पंथ हमारा कौन, रास्ता कौन हमारा है। महाराज ये दिए, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने, जिन्होंने जन्म जन्म तक पूर्ण किए थे आज वही मिले। और जब महाराज रास्ता बताते हुए निकले, ग्राम निकट जब निकसही जाई, देखही दर्श नार नर धाई। जिस गांव के महाराज पास से निकल करके जाते हैं, सब लोग उनका दर्शन करने के लिए आते और सब लोग प्रणाम करके जाते हैं। और उन बटुक ब्रह्मचारियों को महाराज विदा किए, बटु विनय करी फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर श्याम। महाराज इलाहाबाद से लेकर प्रयागराज से लेकर जमुना के तट तक, जमुना के उस पार निकले हैं, जब सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विशारी। हमारे पूज्य संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज, ये भी भगवान के दर्शन के लिए आए, क्योंकि कथा जी रहे हैं वो। भगवान जब वहां पहुंचे तो जो इन्होंने वर्णन किया, इसके पहले और बाद में कहीं नहीं मिलता है इनका वर्णन। तेई अवसर एक तापस आवा, रास्ते में कहा, ये महाराज राजापुर जो गांव है, जहां से निकले वहीं की बात है। तेई अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। महाराज तेज पुंज है और एक वयस लघु बालक के रूप में है, और कवि अलखित गति वेश विरागी। ये देखिए कवि हैं, ये सारा बाबा का वर्णन है। और महाराज वेश वैराग्य का है, वैरागी हैं,
मन क्रम वचन राम अनुरागी, मन से क्रम से वचन से भगवान के चरणों में अनुराग है। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, हमारे बाबा के इष्ट देव यही हैं। परेउ दंडवत जिम धरणि तल दशान जाई बखान, दंडवत होकर के महाराज गिरे हैं, ये देख करके श्री राघव ने उनको अंक में ले लिया है। उसके बाद जब यात्रा नारायण प्रारंभ होती है तो रास्ते के लोग जब देखते हैं तो कहते हैं, ते पितु मात कहो सखी कैसे, इनके माता पिता कैसे होंगे, जिन पठे बन बालक ऐसे, राम लखन सी रूप निहारी, होई स्नेह विकल नर नारी। भगवान के श्री रूप को देख करके महाराज सब आनंद से भर जाते हैं और उनके ही हो जाते हैं। कैसे हैं इनके माता पिता जो उन्होंने भेज दिया है। और जब महाराज पास में जाकर के उनसे ग्राम बदूटियां पूछती हैं, ग्राम बदूटियां उनसे पूछती हैं कि ये आपके कौन हैं। हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी और भी संतों ने इस रस को बड़े ढंग से लिया है। बाबा हमारे कहते हैं, कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुख कहो को आए तुम्हारे। वहां की गांव की महाराज स्त्रियों ने पूछा कि सच बताओ ये कौन है। शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरीछी सी भौं है। गांव की स्त्रियां पूछ रही श्री जानकी जी से, शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरीछी सी भौं है, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मारग ते सुटि सोहे, सादर बार ही बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे। बार बार स्वभाव से जब तुम्हारी ओर तिरछी चितवन से देखते हैं तो हमारे मन को मोहित कर लेते हैं। पूछति ग्राम बधूस ये सो, ग्राम की बधूस याजू से पूछती हैं, कहो सांवरो सो सखी रावरो को है, ये सांवरा तुम्हारा कौन लगता है, कौन बताओ तो सही। महाराज जिस प्रकार जब ये पूछा, सुनि स्नेह में मंजुल बानी, सकुची सी ये मन सकों संकोच करके मन में मुस्कुरा गई। और महाराज मुस्कुरा करके लखन का परिचय दे रही हैं, पूछा गया है राम का परिचय और दे रही लखन का परिचय। सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बोले जो सहज स्वभाव के हैं ना, ये गोरे गोरे रंग के, नाम इनका लखन है और हमारे देवर हैं। बाद में अपना आंचल सर पर रख करके ढांक करके सिया ने पिया की ओर निहारा, पियतन चितई बहों कर बाकी, तिरछी चितवन से देखा और देखकर मुस्करा दिया। कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि हमारे पति हैं। निज पति कहो तिनई सी सैननी, इशारे से ही कह दिया कि ऐसे तिरछी चितवन से किसको देखा जाता है, जिसको देखा जाता है वही हमारे हैं। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय रास जन लूटी। ग्राम की महाराज निकलने वाले बधुए सब देख करके प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर के महाराज इनको आशीर्वाद भी देती है। जानकी जी को, पार्वती सम पति प्रिय हो, देव न हम पर छाणव छो, आप अपनी कृपा हम पर जरूर बनाकर रखना। और वहां से महाराज सबसे प्रेम से विदा लेते हुए महाराज जब वहां से यात्रा करते करते महाराज जब यहां से निकल करके हमारे श्री राघवेंद्र सरकार वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में पहुंचे हैं। वाल्मीकि जी महाराज को जाकर के वंदन किया है और श्री वाल्मीकि जी महाराज ने इनका स्वागत भी किया। जगुपेखन तुम देखन हारे, विधिहरि संबुन चावन हारे, तेउन जानो मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। महाराज वेद जो जिनका मरम नहीं जान पाता वो आपको और कौन जानेगा, सोई जाने जेहि देव जनाई। बंधु ध्यान रखना, वही जान पाता है जिसको ये जनाना चाहें। नहीं तो भगवान आपके नेत्रों के सामने खड़े रहे और वो पहचान न कराना चाहें तो आप पहचान नहीं कर सकेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़,
तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तुलसीदास जी महाराज भी पहचान नहीं पाए थे। हमने तो शिव नारायण भक्तमाली जी महाराज को, मामा जी को, और श्री नाभा अली के भक्तमाल को, दोनों का चिंतन किया है। भक्तमाल में एक बड़ा तुलसीदास जी महाराज के चरित्र में इतना बढ़िया वर्णन है कि जीवन का उत्तरार्ध था हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज का, और कुछ दिन तक चित्रकूट वास किया, और चित्रकूट वास करने के बाद चित्त में भगवान के परिकर सहित दर्शन की इच्छा थी। देखो भाई, वैष्णव सिद्धांत के आधार पर आपको एक निवेदन कर दूं, अगर भक्त का दर्शन हो जाए तो पूर्ण दर्शन है, भगवान का दर्शन पूर्ण दर्शन नहीं है, क्योंकि जहां भक्त होगा वहां भगवान उसके अंतःकरण में है ही। पूर्ण दर्शन भक्त दर्शन, तो परिकर के सहित जो दर्शन का महत्व होता है वो बहुत अद्भुत होता है कि पूरा परिकर मिल जाए, राम दरबार के दर्शन हो जाए। तो बाबा की अभिलाषा थी रोज स्नान करके मंदाकिनी, और रोज कामदगिरी की परिक्रमा लगाते थे, और चित्त में अभिलाषा थी कि राम दरबार के दर्शन हो। तो महाराज जहां लक्ष्मण पहाड़ी है वहीं नीचे प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में महाराज दर्शन हुए कि उस दिन लीला से लगा कि राम लीला हो रही है, और राम लीला में राम जी का उस दिन तिलक था। बाबा भी पहुंच गए वहां दर्शन करने के लिए, और जब नारायण दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे तो देखा क्या कि राम जी दरबार में बैठे हैं, भरत जी महाराज छत्र संभाल रखे हैं, शत्रुघ्न जी चमर ले रखे हैं, लखनलाल जी पास में खिणे सिया जो बैठी हुई है, हनुमंत लाल जी महाराज, पूरा राम दरबार, वशिष्ठ वेदत उच्चारण कर रहे हैं, आरती हो रही है, ब्रह्मा जी महाराज भी वहां जाकर के, श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी आरती की, और आरती करके सोचने लगे कि देखो तो सही, आज तक मैंने ऐसी रामलीला कभी नहीं देखी, इतने सुंदर पात्र राम जी तो लगता है जैसे साक्षात राम जी हैं, और सियाजू तो लगती हैं कि साक्षात सियाजू हैं। दर्शन करके अपने को कृतकृत्य मानते हुए साष्टांग वंदन करके, और श्री कामदगिरी की परिक्रमा लगा करके जब आए निवास स्थान पर तो वैष्णवों को कहा, आज तक मैंने बहुत रामलीला देखी किंतु ऐसी रामलीला नहीं देखी जैसे आज देखी है, लक्ष्मण पहाड़ी के नीचे हो रही, आप लोग भी दर्शन करके आओ। संत वैष्णव चरण दौड़ दौड़ करके गए तो वहां न कोई रामलीला थी न कोई पंडाल था। लोगों ने कहा यहां तो कोई रामलीला हो ही नहीं रही। लौट करके आकर के बताया तब लगा कि अरे हमारे सामने दर्शन हुए किंतु हम पहचान नहीं पाए। भगवान को वही पहचान पाता है जिसको पहचानवाना चाहते हैं। सोई जाने जेहि देव जनाई, वही आपको जान पाता है जिसे आप जनाना चाहते हैं, और जनाने के बाद महाराज जानत तुम ही वह जाई, आपको उस आपको जानकर वह आपका ही हो जाएगा। इन्होंने महाराज पूछा कि आप कृपा करके हमको बताओ कि मैं रहूं कहां, कुछ स्थान बता दीजिए। तब तो हमारे श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, पूछो मुहि कि रहूं कहां, आप मेरे से पूछते हो कि मैं कहां रहूं, मैं पूछत सकुचाऊं, मुझे आपसे पूछने में संकोच हो रहा है। क्या संकोच हो रहा है, जहां न हो तहां देव कही। आप पूछते हो कि मैं कहां रहूं, आप कृपा करके हमको ये बता दीजिए आप हैं कहां नहीं, सब जगह आप हैं, अगर जहां आप ना हो हमको स्थान बता दिए, जहां ना हो तहां देव कही, तुम्हें दिखाओ उठाओ। महाराज इस प्रकार से जब कहा, बाद में वाल्मीकि हंस करके बोले मधुर वाणी अमीरसानी, भगवान को कहा सुनहु राम अब कहो निकेता, जहां बसो श्री लखन समेता। भगवान मुस्करा गए, माया महाराज घूम गई। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान के रहने के स्थान बताए। बंधु ध्यान रखिए, यदि आपके पास भी स्थान हो तो भगवान आपके पास भी रहने के लिए आ जाएंगे। इन स्थानों में भगवान रहते हैं, ये स्थान उनके रहने का है।
और महाराज इन्होंने इतने दिव्य ढंग से जो स्थानों का चयन किया है, सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसो सिय लखन समेता। जहां सियाजू के साथ लखन के साथ निवास करें, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जिनके कान समुद्र के समान है और आपकी कथा सुरसरी के समान है, गंगा के समान है। जैसे गंगा चाहे कितना जल लेकर के चली जाए किंतु सागर को तृप्ति नहीं मिलती है, वैसे ही जो आपकी कथा को सुनकर के कभी तृप्त न हो, आपकी कथा की प्यास उनको बनी रहे, ऐसे लोगों के अंतकरण में आप निवास करो। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, सदा सर्वदा आपकी कथा सुनते रहें, किंतु नारायण तब भी उनके श्रवण पूरे न हो, तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। और सच में नारायण, जिसको कथा सुनने का रस आ जाता है ना, वकील साहब कुछ बहाता नहीं है। फिर हमने ऐसे से वृंदावन में पूज्य संत चरणों को देखा है कि लोगों को महाराज वर्षों तक, हमारे जैसे लोगों को वर्षों पढ़ाएं, वो वर्षों पढ़ाएं, हम विद्यार्थी बनने लायक नहीं उन संतों के, किंतु कथा कहते हैं तो ऐसे प्यासे आकर के बैठकर सुनते हैं जैसे कभी सुना ही नहीं है, इतने प्यार से। और हम देखते हैं कि लोग तो बाद में आते हैं, जब मंगलाचरण चालू हो जाता है तब आते हैं कि व्यास जी आके बैठ गए, किंतु वो संत चरण आकर के पहले से बैठ जाते हैं, पहले से कह देते हैं कि नहीं। हमने कई बार देखा, हमारे समय रामानंदाचार्य जी महाराज, श्री हंस देवाचार्य जी, हमने कई उनको कथाएं भागवत की सुनाई, पिछले साल शिवपुराण भी सुनाई उनको, भागवत भी सुनाया, इस साल भी उनके कुंभ में ही भागवत की कथा है। मैं देखता हूं मेरे पहुंचने के पहले पहुंच जाते, आचार्य चरण है, रामानंद संप्रदाय के आचार्य हैं, किंतु पहले पहुंच जाते हैं और इतने प्यार से कथा सुनते हैं। हमने ऐसे संतों को कम सुनते हुए देखा है, पूरे प्यार से। ऐसे हमने पिछले साल कथा सुनाई श्री शंकराचार्य भगवान वासुदेवानंद जी महाराज को, हम देखे कि पूरी भागवत की कथा हमसे पहले पहुंचते थे, पूजन करके हमारा, और बैठकर फिर कथा सुनते थे। ऐसे मैंने भी पूज रमेश भाई ओझा को कथा सुनाई, हमसे पहले रोज पहुंचते थे, मैं लेट पहुंचू पहले जाकर के भाई जी बैठ जाएं, और इतने प्यार से कथा सुनते थे तो मुझको लगता था ये देखिए, ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं है, अज्ञानी इसलिए सुन रहे हैं, महाराज ये कथा से कान भरते नहीं है, तृप्त नहीं होते, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हम लोगों को तो महाराज क्या कहें, समय कम पड़ जाता है, हमको तो ऐसा लगता है कई बार जब भागवत की कथा 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम करते हैं, और उसके बाद भी लगता है कि अगर दिन बड़ा हो तो एक शिफ्ट और 4 घंटे की बैठ जाए, तृप्ति नहीं मिलती है। तो जिनको भगवत कथा सुन करके तृप्ति न मिले, और चाहिए और चाहिए, ऐसे लोगों के अंतकरण में आप निवास करो। मारा लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे। जैसे चातक पक्षी मेघों के महाराज जल को प्राप्त करना चाहता है स्वाति नक्षत्र के, जैसे वो सदा सर्वदा उधर ऊपर की ओर देखता रहता है, वैसे जिनके नयन चातक बनकर के आपको निहारना चाहते हैं, ऐसे लोगों के अंतकरण में आप सदा निवास करो। जिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जसु तुम्हार मानस विबल, हंसिन जीहा जासु, मुक्ता हल गुनगन चुनई, राम बसहु जियतासु। मारा तुम ही निवेदित भोजन करहीं, भैया ध्यान रखना, ठाकुर जी को बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। जो भी सामने आए ना, वो भोग लगा करके, और इतना ही नहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, जो भी आता है भगवान को भोग लगाकर। हमारे एक संत महाराज वृंदावन में हैं, हम तो आश्चर्यचकित रह गए, वृद्ध है 90 साल के, उनके श्री चरणों में बैठा था, खांसी थी,
उनके सेवक ने आकर सीरफ दिया तो उससे पूछा कि भोग लगाया कि नहीं, बाद में गोली दी तो कहा भोग लगाया कि नहीं, तो वो गोली और सीरप वो भी ठाकुर जी को भोग लगा के तुलसीधर पधरा के लाया और तब महाराज जी ने लिया। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मैंने महाराज जी को कहा, हमने कहा रोग आपको गोली खिलाते हो ठाकुर जी को, मैंने ऐसे हंस करके, आप बड़ा प्रेम मानते हैं पूज्य संत चरण, वो हमने कहा रोग आपको है और आप गोली खिला रहे हो ठाकुर जी को, तो हंस करके बोले जो ठाकुर जी रोग बनकर के आया है उसको भोग भी दवा का ही तो लगाऊंगा, जो ठाकुर जी रोग बनकर आया उसको भोग भी दवा का लगाऊंगा। ये देखिए, तो जो महाराज ठाकुर जी को निवेदित करके भोजन ले, और एक निवेदन और कर दूं, रामानुज संप्रदाय की तो बहुत अच्छी परंपरा, कई हमको श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज से सुनने को मिली, जैसा भोग लगाओ, लोग क्या करते हैं कि सेव ऐसे ठाकुर जी के सामने रख दिया और अपना खाएंगे तो फिर अमनिया करके खाएंगे, छील कर खाएंगे और उसका बीज निकाल कर खाएंगे, ठाकुर जी को ऐसे पधरा दिया, केला भी ऐसे पधरा दिए और अपना खाना होगा तो छील के खाएंगे। तो पूज्य हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते जैसे आप पाते हो वही पवाओ, और जो पवा दिया और छिलके सहित लगा दिया है तो फिर तुम छिलके सहित ही पाओ, क्योंकि भगवान की प्रसादी आप कचड़े में फेंकोगे क्या, जो आप ठाकुर जी को भोग लगा दिए हो वो तो कचड़े में कैसे फेंका जाएगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके अंतकरण में ठाकुर जी रहें, भले ही वाल्मीकि जी महाराज ने स्थान बताए ये, किंतु सचमुच में अद्भुत है ये, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, शीश नवहीं सुर गुर दुज देखी। ब्राह्मणों को देख करके, देवताओं को देख करके और नारायण गुरुजनों को देख करके जो वंदन करता है, जिनका सर झुक जाता है, प्रीत सहित कर विनय विसेखी, और प्रीति के साथ विनय के साथ कर नित करहीं राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। उनके हाथ भगवान के ही कर्म में लगे रहते हैं और हृदय में दूसरे का भरोसा नहीं होना चाहिए। भाई दोहावली रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने अनंता का इतना बढ़िया प्रयोग किया है, बहुत बढ़िया प्रयोग है, इससे बढ़िया और कहीं मिलेगा नहीं आपको। एक चकोर पक्षी महाराज ये बैठ करके स्वयं महाराज अपने बच्चों को समझा रहा था कि कभी भी चाहे अमृत पीने को मिले किंतु अगर वह स्वाति नक्षत्र का न हो तो नहीं पीना। इतने में बहेलिया ने बाण मार दिया तो आ करके गंगा जी में गिरा, और गंगा जी में गिरा तो अपनी चोंच ऊपर कर दी, गंगा जल अंदर नहीं आने दिया। एक निष्ठा है, ये अन्नता है। देखो भाई, आराधन में यदि आप अनन नहीं होगे तो काम बनेगा नहीं। हमारी ठीक है, अनेक में एक है कि तो हमारा इष्ट तो अपना इष्ट है, अपने इष्ट में निष्ठा होनी चाहिए। दूसरे के इष्ट की निंदा मत करो किंतु अपने निष्ठ को, अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ मानो। निंदा किसी की जरूरत नहीं है और उनकी सेवा में चित्त लगा रहे, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम्हें सहित परिवारा। मंत्र राज का जप करते रहते हैं और महाराज कुल परंपरा के आधार पर ब्राह्मणों को जो भोजन आदि कराते हैं, तुमते अधिक गुर ही जी है जानी। ये महाराज अद्भुत प्रयोग, आपसे ज्यादा, परमात्मा से भी ज्यादा गुरु की महिमा। मोदे अधिक संत करी लेखा, आप नौदा भक्ति में देखिएगा, आपको पता चलेगा कैसी कैसी निष्ठा है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं तुमते अधिक गुरु ही जी हैं जानी, सकल भाय से वही सन्मानी, सब कर मांगई एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दो। जो महाराज सब कर्मों का फल एक ही मांगते हो कि आपके चरणार बिंदु में हमारी रति हो, ऐसे लोगों के मन मंदिर में आपको निवास करो। महाराज कई दिव्य दिव्य, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया,
तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाण गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। ए राम, ऐसे लोगों के मन में आप निवास करो। स्थान बताने के बाद महाराज और दिव्य वर्णन किया है और कहा इस समय तो आप निश्चित रूप से चित्रकूट गिरी करहु निवास हो। अभी आपके लिए निवास चित्रकूट है, जहां तुम्हार सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग विहारु। चित्रकूट जी महाराज का वर्णन किया है और कहा वहां जाकर के आप निवास करो। भगवान वहां से महाराज चल करके चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए हैं और जब वहां पहुंचे तो देवता लोग कोल किरात वेश धारण करके आकर के श्री राघवेंद्र सरकार के लिए सुंदर पर्णकुटी महाराज बनाते हैं और पर्णकुटी बना करके वहां लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत सोह मदन पुन वेश जनु रति ऋतुराज समेत तीनों हैं। ऐसा लगता है जो कुटिया बना के रह रहे ना राम जी, बहुत बढ़िया उपमा दी है। श्री राम को कहते ये काम है और जानकी साक्षात रति हैं और लखनलाल जी बसंत ऋतु हैं। सोह मदन मुनि भेष धरी, ये भेष बना करके जनु रति ऋतु राज समेत समेत इस प्रकार से वहां निवास कर रहे हैं। और इधर नारायण हमारे श्री राघवेंद्र सरकार चित्रकूट वास कर रहे हैं और जब हमारे श्री सुमंत जी महाराज वहां से जाना चाहते थे किंतु जा नहीं रहे थे, बाद में बहुत प्रयास करने के बाद उनके घोड़े गए हैं किंतु अवध पहुंच करके दिन में प्रवेश नहीं किया। विचार करने लगे कि अगर दिन में जाएंगे तो सब लोग हमसे पूछेंगे कहां राम है, कहां जानकी है, मैं किस किस को बताऊंगा, कैसे कैसे उत्तर दे पाऊंगा। तो रात्रि में प्रवेश किया है और जब रात्रि में प्रवेश किया नारायण जा करके देखा कि सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिक जीवन रघुवीर विहीना। अपने को धिक्कार कि जीवन सच में भगवान के बगैर जीवन को धिक्कार है और श्री राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज की दशा देखी है जाकर के। वैसे तो इनकी दशा देख करके प्रजा के लोग भी दौड़ दौड़ करके आर के पूछते हैं किंतु वहां कुछ न बोल करके सीधे राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के यहां गए हैं। देख सचिव जय जीव कई कीन्हू दंड प्रणाम। वहां जाकर राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज को प्रणाम किया और बार बार उनके मुख से निकल रहा है राम राम कह राम स्नेही, पुनिका राम लखन बेदी। राजाधिराज दशरथ जी महाराज बार बार श्री राघव को पुकार रहे हैं राम 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 कहाँ है लखन, कहाँ है बेदेही। ये दशा देख करके महाराज उन्होंने प्रणाम करके जो बैठे हैं राम कुशल कछु सखा स्नेही, कह दशरथ महाराज रघुनाथ लखनु बेदेही। पूछ दिया कि कहाँ है तीनों। महाराज जब बताया तो विह्वल होकर के कहा कि उनको ला नहीं पाए, किंतु हम कैसे मंत्री, अद्भुत मंत्री है, बंधन है इनको भी। लखनलाल जी ने कुछ कठोर वचन कहे थे और श्री राम जी ने अपनी शपथ दिला करके मना कर दिया था, संयोग से इन्होंने वो बात तो कह दी कि लखन ने कुछ कटु वचन कहे और श्री राघव ने अपनी कसम दिला करके मना कर दिया। आपकी आज्ञा हो तो मैं बात कहूं। श्री राजाधिराज दशरथ जी महाराज के नेत्र भराए, बोले कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं लखन मुझे क्या कह सकता है, किंतु एक बात कहूं, मुझे आश्वासन भी है कि लखन यदि राम की सेवा में है तो कोई उनका अमंगल नहीं कर सकता है। लखन जितना राम से प्रेम करता उनके लिए उसको कुछ भी करना हो कर सकता है, वह निश्चित रूप से उनका अनुयायी है, उनका अनुचर है
और जब महाराज चिंतन करते करते विह्वल हो गए, बार बार महाराज विलाप करने लगते, रानियां समझाती हैं और संभालती हैं उनको कौशल्या मैया। बाद में नारायण पुकारते पुकारते उनको तापस अंध साप सुधी आई। रात्रि काल में वो तपस्वी की, अंधे जो तपस्वी थे उनकी स्मृति आई और उसका चिंतन कौशल्य ही सब कथा सुनाई। क्या सुधी आ गई? यहां तो नहीं, वाल्मीकि रामायण में वो वर्णन है नारायण कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकले थे। उस समय राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज को तरुणावस्था थी और इनको शब्द भेदी बाण चलाना आता था। शब्द हो और उसके आधार पर ये बाण चला दें। शिकार की तलाश में बैठे हुए थे और रात्रि के समय से श्रवण कुमार पिता के लिए जल लेने के लिए गए और जो जलपात्र डुबाया नदी में, उसकी गुड़ गुड़ की आवाज हुई तो इनको लगा कोई सिख पशु आ गया। और जो पशु आ गया ये सोच करके शब्द भेदी बाण मारा तो श्रवण कुमार के वक्षस्थल में जाकर के बाण लगा और घड़ा छूट गया, नदी में गिर पड़े। और जब गए तो वहां पिता पिता करके पुकार रहे थे, ध्वनि सुनी, उनसे पूछा तो रोते लगे, बोले और कोई बात नहीं है, शरीर तो जन्मा है तो जाएगा ही जाएगा, किंतु हमारे माता पिता प्यासे मर जाएंगे। मैं उनके पानी लेकर के आया था तो तुम पिता को पानी पिला देना। ये जल पात्र लेकर के महाराज गए और जब पैरों की आहट सुनी, आपको बताएं जिनके नेत्र नहीं होते ना नारायण, उनके कर्णेंद्री और त्वगेंद्री बड़े प्रबल हो जाते हैं। नेत्रेंद्री भले न हो किंतु कर्णेंद्री और त्वगेंद्री बड़े प्रबल हो जाए, वो तुरंत पहचान लेते हैं। कल हमारे पास किसी बच्चे ने एक बहुत बढ़िया मैसेज भेजा, मैं तो अच्छा लगा, मैंने इसको दो बार पढ़ा कि एक राजा के पास एक व्यक्ति दो मणियां लेकर के उपस्थित हुआ, दो मणि लेकर के, और राजा को प्रणाम करके कहा कि महाराज इसमें एक असली मणि है एक नकली मणि है, दो मणियां हैं, किंतु यदि असली की जो पहचान के बोले सब जगह मैं जीत कर आया हूं, कोई असली की पहचान नहीं कर पाया, तो यदि असली की पहचान कर लेंगे तो यह निश्चित रूप से असली मणि हीरे की है और इसको हम कोष में जमा कर देंगे, और यदि पहचान नहीं पाया, नकली को असली कह दिया, तो जितने कीमत की मणि है उतना पैसा ले लूंगा मैं। राजा विचार करने लगा कि तो पैसा भी जाएगा और नहीं होंगे तो पहचान में भी लोग क्या कहेंगे, राजा को पहचान भी नहीं थी, तो चुप हो गए। तब तक एक अंधा व्यक्ति बोला कि राजन मुझे चांस दो, मैं बता दूंगा कि असली है कि नकली है। सब लोग समझने लगे, वो भी जो लेकर आया था, कि बड़े बड़े नेत्र वाले लोग नहीं पहचान पाए, ये कैसे पहचान जाएगा कि असली कौन नकली कौन। राजा को कहा कि एक बार हमको चांस दीजिए और मैं निश्चित रूप से आपको पहचान करके दूंगा कि असली है नकली है। संयोग नारायण क्या हुआ कि दोपहर का समय था, राजा धूप में बैठे थे, उलाने वाला व्यक्ति भी टेबल में रख दिया था, तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है तुम देखो। अंधा आकर के जब देखने गया तो पकड़कर एक मणि को कहा ये असली है, तो जो मणि लेकर आया था वह आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित होकर उसको लगा कि ये कैसे पहचान लिया, क्योंकि दोनों मणियां बिल्कुल एक जैसी थी। तो उसने कहा कि राजन इन्होंने ठीक पहचाना है, असली यही है, कोष में मैं जमा कर दूंगा, किंतु मैं इस अंधे व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि ये बताए तो सही कि असली पहचान हुई कैसे। उस अंधे ने बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि त्वग इंद्री प्रबल थी। उसने कहा मैंने ऐसे पहचान किया कि कांच की मणि धूप में गर्म हो जाती है किंतु हीरे की मणि धूप में गर्म नहीं होती है,
वह तो ज्यों की त्यों ठंडी रहती है। उस दृष्टांत का अभिप्राय तो यह था कि जो असली नकली लोग होते महाराज वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, और जिनके अंदर माल ज्यादा होता वो गर्म जल्दी नहीं होते। उस दृष्टांत का अभिप्राय तो यह था, किंतु मैं निवेदन करूं यहां की त्वग इंद्री प्रबल थी। राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के कानों में जब पैरों की आहट हुई तो जान गए कि श्रवण कुमार के पैर नहीं है। कहा बेटा पानी ले आए, ये बोले नहीं कि बोलूंगा तो पहचान जाएंगे, और पानी देकर के इशारा किया तो कहा बेटा जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज को बोलना पड़ा। वाल्मीकि महाराज वाल्मीकि रामायण में भी अद्भुत रामायण में भी इसका वर्णन है, बोलना पड़ा कि मेरे से अपराध बन गया है। महाराज तुरंत उन्होंने सुना तो कहा पुत्र व्रजनम दुखम यदेतन मम सांप्रतम, जिस प्रकार से तुमने हमको पुत्र दुख में मारा है, एवं तुम पुत्र शोकेन राजनम कालम करिष्यति, निश्चित रूप से राजन तुमको भी यही काल होगा, अर्थात जिस समय तुमको पुत्र वियोग होगा उस समय तुम्हारा शरीर चला जाएगा, पुत्र वियोग में तुम मरोगे। महाराज ये घटना सुनाकर कौशल्या को भयो विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिक जीवन आशा। जहां राम नहीं है वह जीवन रख करके हम करेंगे क्या, उस जीवन से क्या आशा है, यह चिंतन करके महाराज बहुत दुखित हो गए। और दुखित हो करके हाल जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर, श्री राघव को पूरा पुकारने लगे, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, आपके बगैर जीते बहुत दिन बीत गए। श्री लखन को जानकी को पुकारते हुए राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राहु गयो सुरधा। श्री राघव का नाम लेते हुए नारायण उनके प्राण निकल गए। अमर श्री याज्ञवल्क महात्मा कहते जियन मरण पन दशरथ पावा, सच कहें जीने और मरने का फल यदि किसी को मिला तो श्री दशरथ जी महाराज को मिला। जिए जब तक राम विदु बदन निहारा, भगवान के मुखारविंद को निहारते हुए जिए, और राम विरह कर मरण संहारा, श्री राघव के विरह में प्राणों का परित्याग करके अपना जीवन इन्होंने नारायण संवार लिया है। और जब श्री वशिष्ठ जी महाराज को पता चला, वशिष्ठ जी महाराज ने शरीर को नौका में रखवा दिया तेल में, और इतिहास पुराणों की कथना सुना करके सबके दुख को महाराज कम कर रहे हैं, और धावकों को भेजा और कहा जाओ तुम कहके देश, किसी को सूचना न मिले कि क्या हो गया है। चतुर धावक नारायण गए हैं, और जब से अवध में अनर्थ प्रारंभ हो गया था तब से श्री भरत जी महाराज के अंग फड़क रहे थे, अमंगल की सूचना दे रहे थे, भगवान शंकर की भी आराधना कर रहे थे, मना रहे थे बार बार कि अवध में कुछ अमंगल न हो। और आज महाराज जब ये पहुंचे तो लगा क्या बात है, बोले कि आपको बुलाया गया है, गुरुदेव ने बुलाया है। हमारे श्री लखनलाल जी महाराज, श्री शत्रुघ्न लाल जी इधर संभाल रहे थे, श्री भरत जी महाराज वहां से रथ पर आरूढ़ होकर के आए। जब महाराज अवध में पहुंचे तो अवध श्री विहीन हो गया था, क्या दुकानें, क्या वहां का बाजार, क्या सरोवर, क्या वहां के पक्षी, क्या वृक्ष, सब विवल हो चुके थे और श्री विहीन हो चुके थे। और जब वहां पहुंचे सन्नाटा, कोई भरत की ओर निहारा नहीं, कोई बोला नहीं, कहूं कह महाराज कोई किसी से बोल नहीं रहा है, सीधे ये कैकेयी के भवन में गए। और जो कैकेयी के भवन में गए तो नगर के लोगों ने काम पहले ही कह रहे थे कि भरत की ही सम्मत है, इन्होंने जानबूझ करके ऐसा काम किया है कि हम तो वहां रहेंगे, तुम यहां मां का सब काम बना लेना और हम आकर के फिर देख लेंगे।
दूसरे ने कहा, कान बंद करके कहा कि भरत को ऐसा नहीं कहना चाहिए, भरत कभी राम के महाराज विपक्ष में जा ही नहीं सकते, कहना ये उचित नहीं है। किंतु धन्य है नारायण, इधर शरीर छूटा पड़ा हुआ है, शरीर प्राण छूट गए हैं और वो आकर आरती सजा कर करती है, कैसी कठोरता का परिणाम है, और ले जाकर के बैठाला। जब महाराज श्री भरत जी महाराज ने पूछा कि आज यहां सन्नाटा क्यों है, तो कहती सब बात हमने बना ली है, कुछ विधाता ने बिगाड़ दिया है। क्या बना लिया तुमने, ये नहीं पूछा विधाता ने क्या बिगाड़ दिया है। तब इसने बताया कि तुम्हारे पिताजी सुरपुर पगुधारे, तुम्हारे पिताजी महाराज ऐसे बोल रही जैसे चल कर गए हो, सुरपुर पगुधारे। श्री भरत जी महाराज जब सुनते हैं तो विह्वल हो जाते हैं नारायण, और बहुत रुदन किया है। कौशल्या मैया के समीप जाकर के भी महाराज उनके सामने अपने भाव रखे हैं कि मां इसमें हमारा दोष नहीं है, और यदि हमारा दोष हो तो जो ब्राह्मण के मारने का बद होता है, गाय के मारने का बद होता है, वह हमको लगे। बहुत नारायण कारुणिक प्रसंग है सारे। मां उनको संभालती है, और बाद में श्री हमारे वशिष्ठ जी महाराज ने संस्कार करवाया है। फिर मंत्रियों को बुलाकर एक सभा हुई, और सभा में ये प्रस्ताव रखा गया कि श्री भरत जी महाराज राजा बने। हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने इनको समझाया है कि देखो भाई, ये अपने हाथ में नहीं है, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधि हाथ, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधि हाथ। और बाद में कहा कि मां का भी मत यही है, राजमत भी यही है, नीति मत यही है कि जिसको पिता राज देते हैं वही राजा बनता है। भरत जी ने कहा कि हमारे जैसे व्यक्ति को राजा बना दोगे ना, उसी दिन ये धरा रसातल को चली जाएगी, रसा रसातल जाही तब ही। हमारे एक रसिक संत कहते थे, जब भरत जी ने ऐसे कहा तो वशिष्ठ जी ने कह दिया, इस धरा में रावण जैसे राज्य कर रहे हैं तो धरा रसातल को नहीं गई, एक से एक दुष्टों ने राज्य किया तब भी ये धरा रसातल को नहीं गई, तुम्हारे राज्य करने पर कैसे रसातल को चली जाएगी। श्री भरत जी महाराज के नेत्रों में अश्रु भरे थे, कहा जो रावण काम करता है वही काम यदि राम का भाई करने लगेगा तो धरा विश्वास किस पर करेगी। ध्यान देने लायक बात यही है, भले वो दुष्ट है, बाहर से भी दुष्ट है, अंदर से दुष्ट है, तो धरा को पता है दुष्टता करेंगे, किंतु जो रावण काम करता है वही राम का भाई काम करेगा तो विश्वास किस पर करेगी। बहुत समझाया है, उन्होंने कहा कि यदि आप हमको जीवित देखना चाहते हो और कुशल चाहते हो तो हमको आज्ञा सब मिल करके दीजिए कि हम श्री राघव के दर्शन करें, और फिर जैसी आज्ञा उनकी होगी। महाराज सब लोग तैयार हो गए हैं, कोई रहना नहीं चाहता। श्री भरत जी महाराज ने बड़ा सुंदर नीति का वाक्य कहा है कि देखो भाई, यहां रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों को रहना पड़ेगा, अपनी संपत्ति हो तो छोड़कर चले जाओ, किंतु चौकीदार हो तो छोड़ के जा सकते हो, अपनी संपत्ति हो तो किसी को दे दो, किंतु हम चौकीदार हैं तो देने का अधिकार भी नहीं। रघुपति महाराज, संपत्ति सब रघुपति के आई, ये सारी की सारी संपत्ति रघुनाथ की है, इसलिए उसको सुरक्षित करके ही जाना है, सुव्यवस्थित करके महाराज प्रजा को लेकर के गए हैं। चार प्रकार के साधन हैं जिस पर बैठ करके गए हैं, हाथी है, घोड़े हैं, ऊंट हैं और पालकी है। ये चार प्रकार के साधक ही परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, इसकी चर्चा नारायण कल करेंगे। भरत जी महाराज कैसे मना करके वहां मनाने के लिए जाते हैं, कल भरत चरित्र होगा जो बहुत रसीला है, हमारे हृदय को पवित्र करने वाला है। और हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में तो कहें, बाबा हमारे कहते हैं, प्रेम अमी मंदर बिरह है, प्रेम अमी मंदर बिरह है, भरत पयोधि गंभीर, प्रेम अमी मंदर बिरह, भरत पयोधि गंभीर,
मति प्रगट्यो सुर संत हित कृपा सिंधु रघुवीर। ये भगवान ने हमारे पूज्य संतों के लिए, देवताओं के लिए भरत रूपी गंभीर समुद्र को मथा है, वियोग की मथानी बना करके, जिससे इनके लिए अमृत रूपी प्रेम प्रकट हो। प्रमित महाराज प्रेम रूपी अमृत, तो भगवान कैसे अमृत प्रकट करते हैं इसकी चर्चा नारायण कल होगी। अभी आप सब बैठे रहिएगा, एक भजन होगा और भजन के बाद निरार्जन होगा। हमको यही कहा गया कि पहले भजन करा दिया करो तो लोग कम से कम आनंद ले लेंगे, इसलिए पहले भजन, उसके बाद निरार्जन, फिर उसके बाद भोजन। क्रम यही है जी, भजन निरार्जन और भोजन। तो पहले तो भजन का रस ले लो, फिर निरार्जन का, फिर प्रसाद आदि लेकर आप सब प्रस्थान करें। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री अवध धाम की, श्री सरयू मैया की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया तेने कहा ठानी मन में, हठीली तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन 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 में। ओ मैया तेने कहा ठानी मन में, हटीली तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में, ओ राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत
ही जायो यद्यपि भरत तेरो ही जायो तेरी करनी देख ल जायो तेरी करनी देख ल जायो अपनो पति तेरे आप गवायो अपनो पति तेरे आप गवायो भरत की नजरन में राम सिया भेज देरी वन में राम सिया भेज देरी वन में ओ मैया तेरे कहा ठानी वन में दीवानी तेरे कहा ठानी मन में राम सिया भेज दैरी वन 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 में ओ मैया तेरे कहा ठानी मन में दीवानी तेरे कहा ठानी मन में राम सिया भेज दैरी वन में राम सिया भेज दैरी वन में
चैन छोड़ने वा नहीं रे बढ़िया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे बढ़िया, महल छोड़ने वहाँ नहीं रे बढ़िया, सिया सुकुमार संग दो भैया, 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 गाँव प्रक्षतर भीजत होंगे, गाँव प्रक्षतर भीजत होंगे, तीनों मेहन में राम सिया भेज दहेरी बन में, 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 ओ दीवानी तेरे कहठानी मन में, हठीली तने कहठानी मन में, राम सिया भेज दहेरी बन में, राम सिया भेज दहेरी बन में, ओ राम सिया भेज दहेरी बन में, राम सिया भेज दहेरी बन में, राम सिया भेज दहेरी बन में।